हेलो वेलकम बैक अगेन दिस इज़ योर होस्ट आसिफ ताज एंड आप लोग देख रहे हैं मेरा फ्री फ्लटर कोर्स ट्वेंटी ट्वेंटी टू बूट कैम एंड आई होप कि आपने मेरे साथ लर्निंग प्रोसेस को इन्जॉय किया होगा एंड जो मैंने कोर्स कंटेंट डिज़ाइन किया है उसको मैंने इस वे में डिज़ाइन किया है कि आप स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप लर्निंग कर सकें ठीक है सो वेलकम बैक टू दिस अगेन इन द चैप्टर ऑफ दिस फ्लटर फ्री कोर्स एंड जिस तरह आप देख सकते हैं मैंने अपनी स्क्रीन के ऊपर आपके लिए एक uh, लॉग इन यू आई आपको फ्रंट एंड पे नजर आ रही है कि ये खूबसूरत ब्यूटीफुल यू आई है ठीक है सो द मेन ऑब्जेक्टिव और मेन पर्पस ऑफ दिस कोर्स इज़ के यहाँ इस कोर्स में मैं आपको सिखाऊंगा आप किस तरह से इस खूबसूरत यू आई को क्रिएट कर सकते हैं बट बिफोर दैट उसके लिए हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने होंगे ठीक है अब वो कॉन्सेप्ट क्या क्या हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ स्टेप बाई स्टेप सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्टेटलेस लैस विजिट्स क्या होते हैं अब आपने परेशान नहीं होना ये जितनी भी टेक्नोलॉजी इसका मैं नाम ले रहा हूँ ये मैं आपको सिखाऊंगा उसके बाद हम इस यू को क्रिएट करेंगे ठीक है पहले मैं आपको ये सब कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा जो कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड होते हैं किसी इस इस यू को बनाने के लिए एंड देन हम उन उस कॉन्सेप्ट को फिर यूटिलाइज़ करेंगे इस आई यू को बनाने के लिए सो फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले हम देखेंगे स्टेट लेस विजिट्स क्या होते हैं फिर हम हॉट रीलोड हॉट री क्या होता है सिंगल आप बाकी आप इस चैप्टर की डॉक्यूमेंटेशन आप नीचे देख भी सकते हैं मैंने कर रखी है आप एक एक उसके ऊपर क्लिक करें टाइम के ऊपर वो आपको वहां पर स्पेसिफिकली आप लेकर चली जाएगी आपको यहां पर देखें नजर आ रही हैं ये किस तरह से यूज करेंगे देन आई यू सी दिस ठीक है यहाँ पर आपके पास फॉन्ट्स किस तरह से इंटीग्रेट हो सकते हैं ये बटन किस तरह से क्रिएट करेंगे ये टेक्स्ट फील्ड किस तरह से क्रिएट करेंगे ये डिफरेंट यहाँ पर देखें आपको ये अंडरलाइन टेक्स्ट नजर आ रहा है हाउ वी कैन डू दिस ये हम किस तरह से करेंगे बट बिफ़ोर दैट उसके लिए हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने हैं बिकॉज दिस कोर्स इज स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर बिगेनर्स फॉर फ्लोटर जो कि बिगेनर्स हैं जो कि सीखना चाहते हैं एंड उनके लिए डिज़ाइन किया हुआ है तो स्टार्ट करते हैं एंड या uh, yeah, आपको मजा आएगा ठीक है अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ एंड जब हम सब कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे फिर हम इसको फ्रंट एंड पर लेकर आएँगे एंड मैं आपको स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाई स्टेप वन बाय वन आपको मैं लास्ट में इस यू um, आई को बनाना सिखाऊँगा ठीक है सो so, If you remember in the last chapter, last video में हमने अपनी application के अंदर अपनी application में app icons को add करना सीखा था okay? Now अब app icons हमने add कर ली and अब हमने next chapter के ऊपर move करना and that is अगर आपको याद हो मैंने explain किया था हमारी जो app है वो इस main function से run होती है and Android Studio में आपकी ये जो main. dot dart file है ये आपके लिए यहाँ पर देखें design की हुई है यहाँ से इसको ये main फंक्शन मिलता है एंड इस मेन फंक्शन में ये यह यहाँ से रन होती है इसको मटेरियल आप मिलता है एंड किस तरह से मटेरियल आप काम करती है इसका पूरा प्रोसेस फ्लो मैंने आपको समझाया था वीआई चार्ट्स कि किस तरह से हमारे जो फ्लटर का स्ट्रक्चर है ये जो फ्लटर का स्ट्रक्चर है बेसिकली एक ट्री स्ट्रक्चर है ट्री स्ट्रक्चर मीन्स के पेरेंट्स एंड इट चाइल्ड्स एंड चाइल्ड्स एंड चाइल्ड्स एंड देर लॉर्ड ऑफ अदर द थिंग्स वो क्या क्या होती हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ ठीक है सो नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी स्टेट लेस विजिट्स स्ट्रीट लेस विजिट्स क्या होते हैं यहाँ पर स्ट्रीट लेस विजिट्स को मैं सिर्फ आपको ना सिर्फ आप बस जिस तरह से मैं मैं आपको बता रहा हूँ आप वैसे वैसे करते जाएं आपने कुछ नहीं करना रेस्ट ठीक है आपने बस मेरे साथ फॉलो करना है बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर यू विल बी गॉट अंडरस्टैंडिंग ऑफ वट इज एक्टली स्टेट लेस विजिट्स लेकिन फॉर द टाइम बींग जो मैं कह रहा हूँ बस आप उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लें कि सर आप uh, सही कह रहे हैं ठीक है नाउ अगर आप अपने एंड्रॉयड स्टूडियो पर ऐप आप, आप रन कर लें एंड यहाँ पर आप सिंपली टाइप करें एस टी ओके तो यहाँ पर देखें आपके पास टू ऑप्शन है वन इज स्टेट फुल एस टी एफ यू एल शॉर्ट हैं ठीक है ये स्टेटलेस लेस विजिट्स और स्टेट फुल विजिट्स को क्रिएट करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट्स हैं जो कि एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोवाइड करता है एंड यहाँ पर देखें स्टेट लस और स्टेट फुल है ठीक है नाउ अगर आप यहाँ पर स्टेट लस ये सेकेंड वाले के ऊपर क्लिक करें तो ये देखें यह आपके लिए इसने कुछ कोड क्रिएट कर दिया है एंड यहाँ पर ये यह एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इस क्लास को एक नेम दें सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको एट द स्टार्ट ऑफ़ दिस चैप्टर याद हो तो हमने जब इस कोर इस ऑलरेडी um, जो हमारे साथ लर्निंग वाला कोर्स सॉरी बिल्ट इन कोड था हमने उसको डिलीट किया था ओके okay? एंड अगर आपको याद हो तो वो ऐप हमारी स्टार्ट होती थी माय ऐप से ओके सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस क्लास को नेम दे देता हूँ माय ऐप ओके नाउ दिस माई ऐप इज it's something that is a stateless widget. Okay, now just for the time being आपको ये कोड समझ नहीं आ रहा होगा I I know that, I know that when I was a beginner मुझे भी समझ नहीं आई थी लेकिन आपने इस प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट करना है आपने मेरे ऊपर ट्रस्ट करना है एंड आपने मेरे साथ फॉलो करना है आपसे इतनी सिंपल सी रिक्वेस्ट है आपने और कुछ भी नहीं करना है क्या ठीक है आपने क्या करना है आपने मेरे साथ फॉलो करना है नाओ ये माई ऐप जो है ना अब ये एक क्लास है एक मैथड है ठीक है माई ऐप यहाँ पर क्या करती है स्टेट लस विजिट्स को एक्सटेंड कर रही है यहाँ पर ये एक मैथड है जो कि ओवर राइड मैथड है आप ओवर राइड मैथड्स क्या होते हैं फॉर द टाइम बिंग आप इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे बस ये होते हैं ठीक है अब क्या होते हैं फॉर द टाइम बिंग आप इसकी आप बस ट्रस्ट करें मेरे ऊपर और मेरे साथ फॉलो करें नाउ अगर आप ये माई ऐप को देखें माई ऐप को यहां पर एक विजिट रिटर्न हो रहा है कंटेनर विजिट ओके नाउ आपने करना क्या है ये जो मटेरियल ऐप है अगर आप यहां से इसको क्लोज कर दें ओके एंड ये तमाम गोड जो आपका मटेरियल ऐप का है आप इसको कट कर लें कमांड एक्स ओके एंड यहां पर इस माई ऐप को आप प्रोवाइड कर दें माई ऐप दिस वन ओके माई ऐप एंड देन आप अपने प्रोजेक्ट को रन कर दें यू विल सी अ ब्लैंक कंटेनर ओके नाउ लेट मी एक्सप्लेन द प्रोसेस अगेन यहाँ पर आपकी एप आप रन हुई आपकी ऐप आप को ये मेन फंक्शन मिलता है और ये मेन फंक्शन यहाँ पर डिफाइन है कि मेन डॉट डॉट होगा ठीक है सो so यहाँ पर देखें आपकी लाइब्रेरी फोल्डर में एक फ़ाइल है मेन डॉट डॉट ओके एंड वो फाइल इसको यहाँ पर मिलती है वो ये इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करती है एंड एग्जीक्यूट करने के बाद आपके पास ये एक स्टेटलेस विजिट है सो माइक क्लास के ऊपर आ जाता है ओके एंड माय क्लास में जैसे ही यहाँ पर इंटर होता है तो माय क्लास में इसको यहाँ पर ये कंटेनर विजिट मिलता है सो इफ यू रिमेंबर मैंने कोड को आपको कहा था कट कर लें ओके कमांड एक्स से जो मैंने कोड कट किया था अब मैं उसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ कमांड वी या कंट्रोल वी नाउ इफ आई रन दिस अगेन सो यू सी के नथिंग हैपन्स कुछ भी चेंज नहीं हुआ ठीक है एज इट इज सेम कोड है जिस तरह से पहले से आप हमारी काम कर रही थी एंड जिस तरह से पहले आप काम कर रही थी वैसे ही काम कर रही है ठीक है सो नाउ इफ यू सी यहाँ पर वही सेम कोड है जो कि हम पहले कर चुके हैं अगेन मैं प्रोसेस आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ बिकॉज आई डोंट वॉन्ट कि यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो थोड़े से भी ख़राब हों अगर आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से भी यहाँ पर लैक करते हैं तो आप आगे थोड़ा सा चीज़ों को अंडरस्टैंड uh, नहीं कर सकेंगे एंड मेरा आई थिंक ये जो फ़ोन साइज़ है ये बहुत ज़्यादा हो गया है सो लेट मी गो बैक टू द एडिटर एंड यहाँ पर एडिटर में फ़ोन एंड फ़ोनस को आप यहाँ से फोटीन फोर्टीन कर दें आई थिंक इट 14 14 is not good i think okay so let's go back and make it 16 16 कर देते हैं नाउ यू सी माई ऐप यहाँ पर एक स्टेटलेस विजिट हमने क्रिएट किया एंड वो किस तरह से क्रिएट किया वो मैं आपको अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ अगर आप इस प्रोसेस इस तमाम कोड को कंट्रोल कट कर लें कंट्रोल एक्स या कमांड एक्स से एंड यहाँ पर आप एस टी एल आप टाइप करें स्मॉल लेटर में एस टी एल एंड यहाँ पर देखें स्टेटलेस एंड आप इस स्टेटलेस विजिट को कोई भी नाम दे दें सो फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज़ आसिफ ताज टैक ओके एंड अगर आपने ये आसिफ ताज टैक अगर आप, आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे ठीक है आसिफ ताज टैक तो अब आपकी ऐप आप यहाँ से रन होगी यहाँ इस आसिफ ताज टैक विजिट के ऊपर आएगी ओके okay? और यहाँ से इस इसको ये कंटेनर रिटर्न होगा और आपके पास ये ब्लैंक स्क्रीन आ जाएगी ठीक है मैंने प्रोसेस अगेन आपको एक्सप्लेन कर दिया सो लेट मी जस्ट कमांड डू कमांड जेड आर कंट्रोल जेड एंड मैं अपने प्रोसेस को रिवर्स कर लेता हूँ ओके सो मेरे पास ये देखें ओल्ड कोड यहाँ पर आ चुका है अब मैं इसको अगेन दोबारा से सेव करता हूँ ओके एंड सेव करने के बाद आप देखें आपकी ये ऐप आप यहाँ से मेन के ऊपर आई एंड मेन में हमेशा याद रखिएगा आपने अगर जब हमने इस स्टेट विजिट को क्रिएट किया था ओके okay? सो so, जब हमने इसको क्रिएट किया था तो हमारा जो विजिट था वो कंटेनर से स्टार्ट हो रहा था ठीक है सो ऑलवेज़ ट्राई ऑलवेज़ ट्राई कि आपके ये जो मेन फंक्शन को आप जो भी विजिट प्रोवाइड कर रहे हैं ऑलवेज़ मेक श्योर कि आपका ये जो फर्स्ट विजिट है ये मटेरियल ऐप होना चाहिए और मटेरियल ऐप क्यों होना चाहिए ये मैं इसका आंसर फर्स्ट चैप्टर में दे चुका हूँ फर्स्ट वीडियोज़ में दे चुका हूँ जब हमने अपनी ऐप को क्रिएट किया था बिकॉज आपका ये जो मटीरियल ऐप है इस मटेरियल ऐप के अंदर तमाम विजिट्स को इंजेक्ट कर दिया गया है इसके अंदर इनहेरिटेड uh, कर दिया गया है वो तमाम विज़िट्स अब आप इस मटीरियल ऐप को यूज़ करते हुए आप यूज़ कर सकते हैं आप क्योंकि वो तमाम विज़िट्स इस मटीरियल ऐप के अंदर इंटीग्रेट कर दिए गए हैं ठीक है ऐड कर दिए गए हैं अब आप उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं ओके सो आई होप कि आपको स्टेट लाइस विजिट की समझ आई आ गई होगी कि स्टेट लाइस विजिट्स आर नथिंग बट इन अदर वे ऑफ लेटिंग अस क्रिएट आवर ब्यूटिफुल एप्लीकेशंस ठीक है सो प्रोसेस को और सिंपलीफाई कर रहे हैं और इससे इस इससे ज़्यादा और कुछ खास इसका कोई पर्पस वैसे तो बहुत सारे पर्पस हैं फॉर द टाइम बिंग आप इसको यहाँ पर इतना ही समझ लें कि ये इस पर्पस के लिए होता है ठीक नाउ द अदर थिंग इज के लेट्स टॉक अबाउट स्टेटलेस विजिट की हमने बात की नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हॉट रीलोड ओके सो हॉट रीलोड इज रियली गुड रियली गुड फंक्शनैलिटी सो हॉट रीलोड क्या होता है सो हॉट रीलोड इज बेसिकली अ फंक्शनैलिटी जहां पर आप अपने कोड को रन टाइम के ऊपर लाइव आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं सो लेट मी शो यू हाउ सो यहाँ से इस कोड को मैं थोड़ा सा इस साइड पे ड्रैग करके फैच ड्रैग uh, कर लेता हूँ एंड यहाँ से मैं अपने को uh, को थोड़ा सा ड्रैग करके इस साइड पर ले आता हूँ नाउ सी हाउ इट हाउ द मैजिक विल हैपन सो सी यहाँ पर आपने आई एम पुअर ओके यहाँ पर आपने इस टेक्स्ट को चेंज किया एंड यहाँ पर आप कहते हैं आपके फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे यूट्यूब चैनल का नेम है आसिफ ताज टैक ओके नाउ द थिंग इज़ के अगर मुझे टेस्ट करना है कि यहाँ पर आई एम पुअर की जगह अब ये मेरा टैक्स आना चाहिए आसिफ ताज टैक सो so, अभी तक हम क्या करते थे हम प्रोजेक्ट को यहाँ से ये यह देखें रन मेन डॉट डार्ट सो ये फोल्डर हमारे लिए क्या करता था ये पूरे प्रोजेक्ट को अगेन रन करता था कहाँ से रन करता था हमारे इस मेन फंक्शन से जैसा कि आप यहाँ पर होल्ड करें अपना अपना माउस uh, या पॉइंटर आप यहाँ पर होल्ड करें सो यू कैन सी मेन डॉट डॉट सो ये रन करता है ओके कमांड आर से आप इसको रन भी कर सकते हैं अगर आप कमांड आर प्रेस करेंगे तो या ऑप्शन uh, या कंट्रोल कंट्रोल और आप प्रेस करेंगे तो आपके पास ये प्रोजेक्ट दोबारा से रन हो जाएगा नाउ okay. यहाँ पर देखें तो अगर आप इस प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपकी जो ऐप आप है वो कहाँ से एग्जीक्यूट होती है इस मेन डॉट डार्ट से, ठीक है बट वी हैव अदर ऑप्शन टू टेस्ट अवर ऐप जहां पर हमने इस फुल प्रोजेक्ट को यहाँ से रन नहीं करना चाहते यहाँ मेन से रन नहीं करना चाहते सो so, उसके लिए हमारे पास एक बेहतरीन और खूबसूरत फंक्शनैलिटी है हॉट रीलोड ओके okay? अब हॉट रिलोड क्या करती है आपकी जो प्रोडक्टिविटी है आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीस करती है ठीक है प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज करती है लेट्स सी अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सो यहाँ पर आप देखें आपके पास है ये फ्लटर हॉट रीलोड ओके okay? नाउ सी सी यहाँ पर मैंने क्या किया था आसिफ ताज टैक और स्टिल वी हैव हाँ, वी कैन सी आई एम पोअर ओके सो नाव सी अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखें रियल टाइम में विद विद इन नो सेकेंड्स आपकी यहाँ पर आपके पास आ, चेंज हो गया है आसिफ ताज टैक ओके नव अगेन इफ़ आई वॉन्ट टू चेंज इट टू फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जी एंड मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ हॉट रीलोड सो अगेन यहाँ देखें विद इन मिली सेकेंड्स आपके पास ये चेंज uh, हो गया है एंड आप इसको रन टाइम के ऊपर चेक कर सकते हैं लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल सो फॉर एग्जाम्पल बैकग्राउंड कलर्स में ब्लू ग्रे से मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ पिंक एंड अगेन यहाँ पर मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखें ये चेंज अपीयर हो गई है सो फॉर एग्जाम्पल अगेन आई वॉन्ट टू चेंज दिस टू इन टू ऑसिफ आसिफ ताज टैक ओके एंड यहाँ पर इस बटन के ऊपर जब आप मॉप पॉइंटर को होल्ड करते हैं इट्स एज हॉट रिलोड ओके सो हॉट रिलोड यहाँ पर देखें आपके लिए चेंज को दोबारा से अपीयर कर देता है एंड हॉट रिलोड का बेनिफिट ये है कि आपका जो हॉट रिलोड फंक्शनैलिटी है वो क्या करती है अब आपकी हॉट रिलोड फंक्शनैलिटी इस मेन फंक्शन से रन नहीं होती ठीक है वो क्या करती है वो ये देखती है कि आप किस स्क्रीन के ऊपर हैं यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर कौन सा विजिट है सो so, यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर विजिट है माए ऐप ओके माय ऐप विजिट है यहाँ पर सो so, जब आप इस हॉट रिलोड को बटन को प्रेस करते हैं तो आपका जो विजिट है यहाँ से माय ऐप और यहाँ से ये ये जो विजिट है विल्ड्स है यहाँ से, से लेके रिटर्न से लेके रिटर्न से लेके ये यहाँ पर ये तमाम विजिट जो है इस विजिट के अंदर ये जो विजिट बिल्ड है इस विजिट के अंदर जितने भी विजिट्स होते हैं ये दोबारा से रीबिल्ड हो जाते हैं ठीक है समझ आई आई थिंक नहीं आई मी एक्सप्लेन अगेन सो वट हॉट हॉट रिलोड क्या करता है हॉट रिलोड बेसिकली आपकी ऐप को यहां मेन से रन नहीं करता ठीक है ये मेन से जिस तरह अगर आप यहां पर देखें हम रन के ऊपर क्लिक करते थे तो क्या होता था ये मेन डॉट डॉट से रन होता था ठीक है लेकिन अब हॉट रिलोड क्या करता है वो ये देखता है कि आपकी स्क्रीन के ऊपर कौन सा विजिट यहां पर रन हो रहा है ये run हो रहा है 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 है, पर देखें करता को, से इस जो ठीक के अंदर जितना भी कोड लिखा हुआ है ये दोबारा से रीबिल्ड हो जाता है ठीक है सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल सो फॉर एग्जांपल आप यहां इस ब्रैकेट के अंदर आ जाएं और यहाँ पर सिंपली लिखें प्रिंट पी आर आई एन टी प्रिंट और यहां पर आप री बिल्ड यहाँ पर आप टाइप करें री बिल्ड ओके एंड साथ ही आपको एक वार्निंग आ गई है कि आप इस प्रिंट स्टेटमेंट को नहीं यूज़ कर सकते हम इसको रिमूव कर देंगे इसके बारे में आपको जानने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है कि आप क्यों नहीं कर सकते वो मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा नाउ अगेन यू सी इफ आई इफ आई लेट मी जस्ट चेंज द कलर आज वाल सो टील से हम स्केफल्ड टील से यहाँ से हम ब्लू कर देते हैं एंड लेट मी जस्ट प्रेस दिस बटन सो यू सी कि यहाँ से ये फुल कलर स्कैफल बैकग्राउंड चेंज कलर हो चेंज हो चुका है कलर एंड यहाँ पर आप अगर एंड्रो स्टूडियो में आ जाए रन में तो यहाँ पर देखें आपके पास लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर ये प्रिंट हो रहा है ये प्रिंट मैंने यहाँ स्टेटमेंट लिखी थी ना सो so, ये प्रिंट हो रहा है आपके पास यहाँ रन में शो हो रहा है रीबिल्ड सो so, आपका जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ से बिल्ड हुआ दोबारा यहाँ से ठीक है आपका कहाँ से प्रोजेक्ट जो है वो दोबारा लेट मी जस्ट ओके ओके फ्लटर आउटलाइंस मिनिमाइज इट ओके नाउ यू सी आपका प्रोजेक्ट कहाँ से बिल्ड हुआ यहाँ से ओके दिस इज़ वन वे ऑफ री आपका जो विजिट्स हैं वो तमाम दोबारा से रीबिल्ड हो जाते हैं जब आप हॉट रिलोड करते हैं ठीक है नाउ हॉट रिलोड के लिए ये दो हम दो तना कर सकते हैं एक तो ये है आपके पास हॉट रिलोड आप यहाँ से कर लें ठीक है यहाँ से आप देखें इसको आप करेंगे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ अगेन देखें इसको मैंने फ़र्स्ट टाइम जब इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये देखें रीबिल्ड मेरे पास यहाँ पर देखें रीबिल्ड हो गया ये पूरा विजिट रीबिल्ड हो गया यहाँ पर मैंने सेकंड टाइम क्लिक किया तो देखें मेरा पूरा विजिट जो है वो रीबिल्ड हो गया यहाँ पर आपके पास दोबारा से लिखा हुआ आ रहा है सो फॉर एग्जांपल अभी मैं इसको रीबिल्ड वन करता हूँ एंड देखें मैंने आप टाइम प्रिंट किया है रीबिल्ड वन एंड यहाँ पर इसको मैंने दोबारा से सेव किया ओके यहाँ से हॉट रिलोड किया तो यहाँ देखें रीबिल्ड वन लिखा हुआ आ रहा है यहाँ से मैंने टेक को रिमूव कर दिया सिर्फ अपना नेम लिखा एंड यहाँ से रीबिल्ड को मैंने टूट कर दिया अगेन मैं इसको सेव करता हूँ तो यहाँ पर देखें विद इन वन वन फोर्टी मिली सेकेंड्स के अंदर आपके पास यहाँ पर लाइफ टाइम में आपकी चेंजेस अपीयर हो रही हैं ठीक है एंड अगर आप यहाँ रनर में आ जाएँ तो आपके पास स्टिल यू हैव टू ऑप्शन यहाँ देखें यहाँ से भी आप हॉट रिलोड कर सकते हैं सो फॉर एग्जाम्पल अगेन मैं यहाँ से कलर कर देता हूँ टील ओके okay, टील मैंने कर दिया एंड यहाँ मेन डॉट डार्ट में आपके पास है हॉट रीलोड आप यहाँ से दोबारा से हॉट रीलोड करें तो देखें आपका ये विजिट आपका ये तमाम विजिट जितना भी इस इस स्टेटलेस विजिट के अंदर है ये दोबारा से रीबिल्ड हो जाता है ओके okay, ये दोबारा से रीबिल्ड हो जाता है एंड यहाँ से जितने भी विजिट्स के अंदर चेंजेस अपीयर होती हैं वो मिली सेकेंड्स में आपके पास यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर अपीयर हो जाती हैं ठीक है सो आई होप अब आपको स्टेट लेस विजिट्स की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी एंड हॉट लोड कैसे काम करता है उसकी भी अंडरस्टैंडिंग होगी होगी एंड नेक्स्ट थिंग इज़ के अगर इट इज़ ऑल्सो हॉट कि आप अगेन अगेन एंड अगेन आप इस बटन को प्रेस करता प्रेस करते रहें ठीक है सो फॉर एग्जाम्पल आई वोंट टू यहाँ ये जो आसिफ ताज है सो so सब्सक्राइब सब्सक्राइब मी एंड आप अब यहाँ पर प्रिंट आप यहाँ पर एक कमांड रन करें कंट्रोल एस या कमांड एस तो आपके पास देखें चेंज यहाँ पर अपीयर हो गई है अब मैं अगेन कमांड जेड प्रेस करता हूँ और अपनी चेंजेस को रिवर्ट करता हूँ यहाँ पर देखें आसिफ तवाज है अच्छा? और यहां पर देखें सब्सक्राइब भी है आप अब, अब अगेन इस कमांड एस प्रेस करता हूं तो यहां पर देखें आपके पास चेंजेस अपीयर हो रही हैं एंड अगर आप रन में चले जाएं यहां पर तो देखें आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा है कि आपका ये विजिट दोबारा से रीबिल्ड हो गया है ठीक है सो ये था स्टे, ये था स्टेटलेस विजिट और ये था हॉट रीलोड फंक्शनैलिटी ओके हॉट रीलोड की फंक्शनैलिटी आप जो हॉट रीलोड विजिट होता है ना रिमेंबर वो कभी भी आपका जो हॉट रीलोड विजिट होता है ना वो हमेशा इस विजिट ओवर मेथड के अंदर बिल्ड होता है हमेशा याद रखिएगा इसको आप भूलिएगा ना ऐसा ना हो आपसे मिस्टेक हो जाए एंड देन आप इसमें स्टक रहे ये हमेशा आपके जो विजिट के इनसाइट का जो मटेरियल होता है हमेशा इसको रिटर्न करता है इसको दोबारा से बिल्ड करने में हेल्प करता है ठीक है सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी ऐप को यहाँ पर देखें मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ एक और यहाँ पर मैं प्रिंट स्टेट में यूज करता हूँ मेन ओके एंड यहाँ पर सेमी कॉलरन एड करता हूँ सो फॉर एग्जांपल अभी आप रन में देखें अगर मैं इसको हॉट रीलोड करता हूँ और यहाँ पर रीबिल्ड में मैं थ्री कर देता हूँ ठीक है अब मैं कमांड कंट्रोल एस या कमांड एस प्रेस करता हूँ तो देखें यहाँ पर रीबिल्ड थ्री आया है ठीक है द रीज़न इज कि ये जो रीबिल्ड है ना ये यह यहाँ पर इस विजिट यहाँ पे ये एप्लीकेशन को हमने क्या प्रोवाइड किया हुआ है माई मेन माई ऐप और माई ऐप में यहाँ पर देखें रिटर्न हो रहा है ये वाला विजिट सो so, जैसे ही ये विजिट यहाँ पर आता है इन साइड दिस ब्रैकेट और इस इन साइड दिस ब्रैकेट के जितना भी कॉन्टेंट होता है उसको दोबारा से रीबिल्ड करता है और आपके स्क्रीन के ऊपर ये तमाम व्यू जो है ये रिफ्रेश हो जाता है क्रिस्टल क्लियर सो नाउ लेट्स गेट बैक टू हॉट रीस्टार्ट अब आप यहाँ पर देखें मेन डॉट डार्ट में तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन हैं एक है फ्लटर हॉट रिलोड जिसकी मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर दी है द सेकेंड थिंग इज के फ्लटर हॉट री स्टार्ट अब फ्लटर हॉट री स्टार्ट जो फंक्शनैलिटी है वो क्या करती है वो आपके लिए आपका फुल प्रोजेक्ट यहाँ मेन से रन करती है ठीक है मेन से सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखें मैंने प्रिंट किया हुआ मेन तो यहाँ पर अभी कंसोल में आपको मेन प्रिंट हुआ नजर आएगा फिर ये फ्लटर रीबिल्ड पे आएगा अगर आप इस बटन को प्रेस करते हैं फ्लटर हॉट रिस्टार्ट तो अब आप देखें हॉट रिस्टार्ट आपका जो विजिट है ना वो रन हुआ ठीक है आपका फुल प्रोजेक्ट उसने कहाँ से एग्जीक्यूट किया आपके इस मेन फंक्शन से जब ये मेन फंक्शन रन हुआ तो यहाँ पर मेन फंक्शन को सबसे पहले ये प्रिंट स्टेटमेंट मिली कि आप प्रिंट कर दो जैसे ही वो प्रिंट स्टेटमेंट में आई तो यहाँ पर उसने मेन प्रिंट कर दिया देन आप देखें यहाँ पर इस प्रिंट को ये आपका विजिट मिला माई ऐप फर्स्ट चैप्टर में अगर आपको याद हो तो हमने इसको विजिट प्रोवाइड किया तो था मटेरियल ऐप ठीक है अब मटेरियल ऐप की जगह हमने इसको प्रोवाइड किया है माय ऐप और माय ऐप क्या रिटर्न कर रहा है ये मटेरियल ऐप ठीक है सो हॉट रिस्टार्ट और हॉट रीलोड में इतना फ़र्क है कि हॉट रीलोड जो है वो आपके पास विजिट जो है वो आपका रिटर्न यहाँ बिल्ड मैथड के अंदर से दोबारा दोबारा रीबिल्ड होता है और हॉट रिस्टार्ट जो होता है वो आपके लिए फुल प्रोजेक्ट को दोबारा से रीबिल्ड करता है ठीक है सो फॉर एग्जाम्पल अब देखें खूबसूरती यह है फ्लटर की कि ये जो है ना अब आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप इस कलर को ब्लू की जगह आप कर देते हैं टील ओके okay? एंड यहाँ पर देखें अब आपकी जो स्काफल्ट का बैकग्राउंड कलर है वो हो जाएगा टील ओके नाउ यू कैन सी के यहाँ पर मैंने कमांड एक्सप्रेस किया ये चेंज अपीयर हो गई और विद इन मिली सेकेंड्स में हो गई लेकिन इससे अब क्या हो रहा है इसका फ़ायदा क्या है इसका फ़ायदा यह है कि हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप फ्लटर को नहीं यूज़ करते एंड आप किसी और प्लेटफॉर्म um, में कोडिंग करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जावा हो गई या आप एक्स कोड में कोडिंग करते हैं नाउ लेट मी गिव यू एन एक्ज़ाम्पल यहाँ पर देखें अब स्काफ़ल्ड का बैकग्राउंड कलर जो है वो मैंने पिंक कर दिया है ठीक है नाउ अगर आपने देखना है कि ये स्काफ़ल्ड जो है स्काफ़ल्ड ये पूरा ये स्काफ़ल्ड होता है ठीक है स्काफ़ल्ड के अंदर फिर हमारे पास ये बॉडी है ठीक है ये देखें बॉडी है और ये उसका बैकग्राउंड कलर है ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ फर्स्ट चैप्टर में अगर आप चाहते हैं कि आपकी चेन जो है वो यहाँ पर अपीयर हो तो अब आपने क्या करना होता था आपने यहाँ से प्रोजेक्ट को किल करना होता था ओके okay. किल करने के बाद अपने अपने प्रोजेक्ट को यहाँ से रन करते थे अब ये रन क्या करता था दोबारा से आपके प्रोजेक्ट को रीबिल्ड करता था अब ये रीबिल्डिंग जो है ना ये टाइम लेती है डिपेंडिंग अपॉन वन मिनट भी ले लेती है थर्टी uh, सेकंड्स भी ले सकती है एंड ये आपके प्रोजेक्ट को दोबारा से रीबिल्ड करती है यहाँ देखें एक्सपोर्ट जो है ये दोबारा से रीबिल्ड हो रहा है ठीक है जब वो रीबिल्ड होता था तो उस रीबिल्ड में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था देखें ये थर्टीन सेकेंड्स लिए हैं यहाँ पर ठीक है लेकिन अगर आपका पीसी स्लो है मेरे पास तो एम वन है ये थोड़ा सा फास्ट होते हैं लेकिन अगर आपका पीसी स्लो है तो ये जो रीबिल्ड है ये आपसे एक मिनट एक मिनट ले सकती है जब वो आपसे एक मिनट कंज्यूम करेगी सो <laughs> so फिर ऑब्वियसली देर इज नो बेनिफिट ऑफ यूजिंग फ्लटर ठीक है सो दिस इज हाउ यू कैन इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी सो अब आपको समझ गई हॉट रीस्टार्ट एंड हॉट रीलोड में डिफरेंस okay so let's move to our uh, next thing and that is the children maripas have are different uh, those types mostly children so let me just drink the water and uh, let me just drink the water okay okay सो so, हमारे पास मैंने अभी हम नेक्स्ट uh, टॉपिक पर जा रहे हैं देट इज़ हमारे पास डिफरेंट टाइप हमारे पास डिफरेंट टाइप के चिल्ड्रंस होते हैं सॉरी डिफरेंट टाइप्स के चिल्ड्रंस एम आई सेक्ट आर नॉट बट लेट एक्सप्लेन सो बेसिकली विजिट्स जो होते हैं ना वो टू टाइप्स के होते हैं स्टेट लेस विजिट्स एंड स्टेटफुल विजिट्स बट दैन वी हैव विजिट्स uh, जहाँ पर देखिए हमने बात की कि आपकी स्क्रीन के ऊपर जितना भी कंटेंट नज़र आता है वो एक विजिट होता है स्टार्ट से मैं यही बात करता हुआ आ रहा हूँ जिस तरह हमने यूज़ किया था टेक्स्ट विजिट ऐप पॉर विजिट स्का फुल विजिट मिटीरियल ऐप विजिट इमेज विजिट सेंटर विजिट ओके ये तमाम विजिट्स होते हैं अब यहाँ पर भी ना विजिट्स दो टाइप के विजिट्स होते हैं एक वो विजिट्स होते हैं जो कि जो कि सिर्फ सिंगल चाइल्ड को एक्सेप्ट करते हैं ओके okay, अब सिंगल चाइल्ड को कैसे एक्सेप्ट करते हैं सो फॉर एग्जांपल यहां पर आप देखें यह है सेंटर विजिट अब सेंटर विजिट का सिर्फ एक ही चिल्ड्रन है एक ही चाइल्ड है सॉरी दैट इज इमेज ठीक है अब ये मल्टीपल चिल्ड्रन्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकती ठीक है मल्टीपल चिल्ड्रन्स को नहीं एक्सेप्ट कर सकती एंड दिस इज वी डोंट वॉन्ट देयर कम्स सिनेरियो जहाँ पर आपको मल्टीपल चिल्ड्रंस की जरूरत होती है ठीक है अब इशू ये है कि यहाँ पर देखें ये बॉडी है ना तो बॉडी में आपने क्या कर दिया इसको एक विजिट प्रोवाइड कर दिया है सेंटर और उसका सिर्फ एक ही चाइल्ड है इमेज एंड देन आप इस फुल स्क्रीन के ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते आप कुछ कोई चेंज नहीं कर सकते ठीक है सो so, यहाँ पर हमें जरूरत पड़ती है फिर मल्टी चिल्ड्रन्स की ऐसे विजिट्स जो कि मल्टी चिल्ड्रन्स को एक्सेप्ट करते हैं और वो कौन कौन से होते हैं उनके ऊपर मैं बाद में आता हूँ लेकिन हम क्या करते हैं ये अब हम वापस आते हैं यहाँ पर ये जो बॉडी है देखें बॉडी ओके okay? इस बॉडी को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ओके okay? ये मैंने सारा कोड रिमूव कर दिया और मैंने यहाँ से बॉडी को भी रिमूव कर दिया और सेव कर लिया कमांड एस से जैसी मैंने प्रेस किया तो ये सेव हो गया अब स्कैफल्ड है स्कैफल्ड के अंदर एप पॉड है एंड एप पॉड यहाँ पर आप नीचे आ जाएं तो इसमें बॉडी है ठीक है अब बॉडी को मैं प्रोवाइड करता हूं container widget. हमारे पास विजिट होते हैं हमारे पास डिफरेंट विजिट हैं ठीक है उनमें से एक है कंटेनर विजिट अब कंटेनर विजिट क्या होता है उसको किस तरह से यूटिलाइज करेंगे ये तमाम चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ सो वी हैव दिस कंटेनर विजिट कनर ओके दिस कंटेनर विजिट एंड अगर आप मैं इसको सेव करता हूँ ओके okay, मैंने सेव किया तो देखें यहाँ पर कोई चेंज अपीयर, चेंज अपीयर हो गई है बट आपको यहाँ पर, आप पर नज़र नहीं आ रहा बिकॉज बाय डिफॉल्ट कंटेनर जो है वो इट्स अ बॉक्स ठीक है अब लेट मी जस्ट गो बैक टू डॉक्यूमेंटेशन एंड ओपन इट इन फ्रंट ऑफ यू सो फ्लटर कंटेनर सर so, यहाँ पर देखें जैसे ही मैंने फ्लटर कंटेनर लिखा तो ए पी आई डॉट फ्लटर डॉट डेव के ऊपर uh, so, आप चले जाएँ एंड यहाँ पर आपके पास कंटेनर की प्रॉ आ गई है डॉक्यूमेंटेशन सो ना यू सी के कंटेनर विजिट है एंड कंटेनर विजिट में आपके पास डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज़ हैं एंड दैट इज एलिमेंट चाइल्ड कलर्स डेकोरेशन मार्जिन पैडिंग एंड बंच ऑफ अदर्स मैथड्स ठीक है सो कंटेनर विजिट में देखें ये प्रॉपर्टीज हैं अलाइनमेंट कलर्स कॉन्स्टेंट्स डेकोरेशन एंड बंच ऑफ अदर प्रॉपर्टीज सो आप देख सकते हैं ये देखें ठीक है अब कंटेनर क्या होता है कंटेनर इज जस्ट लाइक अ बॉक्स ठीक है सो so, कंटेनर क्या होता है कंटेनर इज बेसिकली जस्ट लाइक बॉक्स फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपनी रियल वर्ल्ड की एग्जाम्पल लें तो आपके पास कोई भी बॉक्स हो आप क्या करते हैं आप बॉक्स में डिफरेंट चीजों को रखते हैं ठीक है ऐड करते हैं कलर बॉक्स हो आपके पास लाइब्रेरी शेल्फ्स हो तो शेल्फ्स में क्या होते हैं बेसिकली वो बॉक्सेस में चीजें अरेंज होती हैं ठीक है सो सिमिलरली कंटेनर जो है वो कंटेनर विजिट भी एग्जैक्टली exactly इसी तरह से काम करता है ठीक है सो लेट्स गो एंड सी हाउ इट वर्स ये अब देखे मैंने कंटेनर विजिट प्रोवाइड किया है ठीक है कंटेनर एंड बाई डिफॉल्ट हाइट एंड विद इसकी जीरो होती है सो so, मैं यहाँ पर क्या कर हूँ और ये एक एग्जांपल मैं आपको करवा रहा हूँ सिंगल चाइल्ड्स की ठीक है ऐसे विजिट्स जो सिर्फ़ एक चाइल्ड को एक्सेप्ट करते हैं सिंगल चिल्ड्रन विजिट्स ठीक है सो so यहाँ पर देखें इसकी जो हाइट है वो क्या है फॉर uh, एग्जांपल मैं इसको 100 पिक्सल कर देता हूँ एंड यहाँ पर जो विद है वो इसको मैं कर देता हूँ 100 पिक्सल और मैं इसको सेव करता हूँ यू कैन नॉट सी एनी थिंग ऑन दिस स्क्रीन ठीक है कंटेनर विजिट यहाँ पर आ गया है लेकिन आपको नज़र नहीं आ रहा एंड क्यों नज़र नहीं आ रहा वो मैं आपको बताता हूँ देन हमने मटीरियल कलर्स की बात की थी हमने कहा था कि कलर्स होते हैं ठीक है और मटीरियल कलर्स और उनकी डिटेल डिस्कशन हमने लास्ट चैप्टर्स में की थी सो so, वो अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ जम्प इंटू दो वीडियो एंड आप इसको स्टेप बाई स्टेप देखें और मैंने आपको एक्सप्लेन किया था फर्स्ट वीडियो में इस बूट कैम्प के किस तरह से आप इसको आ, इस प्ले लिस्ट को वॉच करेंगे सो so, यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कलर्स और फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं इसको कलर्स कलर स्टार्ट ब्लू कर देता हूँ ठीक है अब आप देखें आपके पास यहाँ पर एक कंटेनर आ गया है कंटेनर ओके देखें जिसकी हाइट 100 पिक्सल है एंड विथ भी है 200 पिक्सल सो दिस इज अ कंटेनर विजिट अब आप देखें ये कंटेनर विजिट जो है ये कंटेनर विजिट ये एक बॉक्स है ठीक है ये क्या है ये एक बॉक्स है अब आप चाहते हैं ये जो कंटेनर विजेट है वो आपकी इस स्क्रीन के सेंटर पर आ जाए ठीक है सो so अगेन आपने करना है क्या है इस कंटेनर विजेट को आपने यहाँ से कट कर लेना है ओके okay? कट कर लिया एंड यहाँ पर आप यूज़ करेंगे सेंटर विजिट ओके एंड देन सेंटर विजिट का आपको अगर आइडिया हो तो हमने कहा था चाइल्ड होता है ठीक है ये सिंगल चिल्ड्रन विजिट्स हैं और आपने इसको कंटेनर प्रोवाइड कर दी है और आप इसको सेव करेंगे तो आपका कंटेनर सेंटर में यहाँ पर आ गया है ओके नाव लेट्स मूव अ वन स्टेप अ हैड एंड यहाँ पर आपको मैंने कहा है कि कुछ चिल्ड्रंस होते हैं जो सिंगल चिल्ड्रंस होते हैं एंड कुछ चिल्ड्रंस होते हैं जो मल्टी ले आउट चिल्ड्रंस होते हैं ठीक है अब जो सिंगल ले आउट चिल्ड्रंस होते हैं वो सिर्फ एक चाइल्ड को एक्सेप्ट करते हैं एंड इस कंटेनर का जो चाइल्ड होगा फॉर तो इसकी एक प्रॉपर्टी है चाइल्ड ठीक है एंड अगर आप इसकी और प्रॉपर्टीज़ देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देख लें ये देखें ये प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी है चाइल्ड कलर की प्रॉपर्टी हमने यूज़ कर ली है ठीक है अब हम यूज़ कर रहे हैं चाइल्ड की सो so, अब हम वापस जाते हैं चाइल्ड में ओके एंड चाइल्ड में यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं टेक्स्ट यूज़ करता हूँ टेक्स्ट विजिट ओके एंड देन इसको मैं प्रोवाइड कर देता हूँ कंटेनर ओके नाउ अगेन यू कैन सी द कंटेनर इज़ ये जो कंटेनर यहाँ पर टेक्स्ट है ये अलाइन है टॉप पे सो यहाँ पर हम इसकी जो हाइट को कर देते हैं 200 हंड्रेड पिक्सल और विथ भी कर देते हैं 200 हंड्रेड पिक्सल सो नाव यू कैन सी कि आपका कंटेनर काफ़ी बड़ा हो गया है लेकिन इशू ये है कि कंटेनर जो है यहाँ पर ये कंटेनर यहाँ पर देखें टॉप पर अलाइन है अगर आप चाहते हैं कि ये सेंटर पर आ जाए तो फिर क्या करेंगे सो so, यहाँ पर इसकी एक और प्रॉपर्टी है अलाइनमेंट एंड अलाइमेंट जोमैट्री डॉट ओके सो लेट्स नो गोट इन टू दिस बिकॉज दिस इज अब एडवांस हो जाएगा ये टॉपिक एडवांस हो जाएगा सो फॉर एग्जाम्पल जो नॉलेज हमारे पास ऑलरेडी है हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं नाव अगर आप देखें ये जो आपका टेक्स्ट विजिट है ठीक है अब इस टेक्स्ट विजिट को आप अगेन सेंटर विजिट में व्राप कर दें सेंटर विजिट एंड देन इट हैज चाइल्ड और चाइल्ड में आप ये टेक्स्ट विजिट पॉज कर दें और इसको सेव करें तो आपका ये जो कंटेनर है आप देखें आपका जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ चुका है ठीक है अभी तक हम बात कर रहे हैं सिंगल चाइल्ड चायल, चाइल्ड्स लेआउट की ठीक है सिंगल चिल्ड्रंस की अब ये सारे क्या है ये सिंगल चिल्ड्रंस हैं ठीक है यहाँ पर देखें सेंटर विजिट का सिर्फ एक चाइल्ड एक्सेप्ट करता है एंड दैट इज़ कंटेनर सो हम कंटेनर विजिट में आ जाए तो फिर ये इट्स सेल्फ एक चाइल्ड एक्सेप्ट करता है और वो है सेंटर विजिट और सेंटर विजिट को फिर हम देखें एक चाइल्ड है तो ये एक्सेप्ट करता है टेक्स्ट विजिट सो इफ़ यू रिमेंबर मैंने आपके स्टार्ट में लेआउट जब हम मैंने आपको चार्ट के थ्रू समझाया था आप फ्लटर का हायरिकी स्ट्रक्चर तो क्या था कि वो ट्रीज़ को यूज़ करता है एंड ट्रीज में जो ख़ास बात यह है कि वो टॉप ऑफ द लाइन नीचे की तरफ आता है पहले पेरेंट होते हैं चाइल्ड 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 एंड एंड इट हैज सब चाइल्ड सो ये मैंने एक्सप्लेन किया था ओके नाउ यू सी के ये सब चीज़ें तो हमने कर ली हैं uh, ये हमने कंटेनर विजिट को थोड़ा सा हमने अंडरस्टैंड कर लिया हमने इसको देख लिया कि कंटेनर विजिट क्या होता है कंटेनर इज जस्ट लाइक बॉक्स जिसके अंदर आप अपनी चीज़ अपना सामान रखते हैं अपनी चीज़ें रखते हैं सिमिलरली अगर आप इस कंटेनर को देखें तो इस कंटेनर के अंदर मैंने कौन सी चीज़ रख दी अपना एक टेक्स्ट रख दिया और उसको मैंने कहा कि आप इस इस सेंटर वाली प्लेस पर आ जाओ ठीक है आप इस सेंटर वाली प्लेस पर आ जाओ ठीक है नाउ लेट्स मूव अहेड एंड एक और चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ दैट रैपिंग द विजिट्स ठीक है नाउ अगर आप यहाँ पर देखें अपना ये माउस लेकर आए इसके ऊपर थोड़ा सा होल्ड करें यहाँ पर देखें आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है ठीक है एंड यहाँ पर देखें आपके पास बंच ऑफ ऑप्शंस आ रहे हैं सो so, अगर आप इस विजिट को रिमूव करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करें रिमूव दिस विजिट और यहाँ से आपका ये जो टेक्स्ट विजिट है ये रिमूव हो जाएगा ठीक है ये क्या होगा रिमूव हो जाएगा अब आप अगेन इसको सेव करें तो आपका ये जो कंटेनर विजिट है ये देखें आपके पास यहाँ पर टॉप के ऊपर अलाइन हो गया है ठीक है नाउ आप चाहते हैं कि अगेन आप ये जो विजिट है ठीक है uh, आप इस विजिट को आप क्या करना करना चाहते हैं रैपिंग द विजिट इसको हम कहते हैं रैपिंग द विजेट ओके सो डब्ल्यू आई जी लेट मी जस्ट टेक पर बता दू इसको हम कहते हैं व्रैपिंग द विजिट सो किसी भी विजिट को आपने दूसरे विजिट में व्रैप करना हो सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें इस ये सेंटर ये टेक्स्ट विजिट है ना अब आप टेक्स्ट विजिट के ऊपर माउस लेकर आएं तो यहाँ पर देखें आपके पास क्या आ रहा है ये बल्ब यहाँ पर आपके पास वो नोट्स आ रहे हैं कि आप क्या करना चाहते हैं अगेन आपके पास देखें एड कॉन्स्ट मॉडिफायर आप किसी अब यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है वैप विद विजिट अब आप इसके ऊपर क्लिक करें ठीक है आप इंटर प्रेस करें और यहाँ पर आप अपने विजिट का नेम एंटर कर दें सेंटर तो अब आप इसको सेव करेंगे तो यहाँ पर देखें आपके पास वो दोबारा से यहाँ पर सेंटर में हो गया है एंड यहाँ पर देखें आपका जो डार्ट की फॉर्मेटिंग है वो इनकरेक्ट होगी है सो तो आप यहाँ पर डबल क्लिक करें एंड आप इसको कहें रीफॉर्मेट कोड विद डाट सो ये देखें रीफॉर्मेट हो गया आपके लिए ओके एंड दिस इज हाउ दिस हॉट रीलोड एंड हॉट री स्टार्ट वर्कस

जैसे ही मैंने यहां पर टाइप किया तो यहां पर देखें डॉक्स में आपके पास आ चुका है लेआउट आउट विजिट एंड देन सेकंड वन इज कस्टम मल्टी चाइल्ड लेआउट आउट सो यहां पर हम बात कर रहे थे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि सिंगल चाइल्ड्स क्या होते हैं सिंगल लेआउट चाइल्ड्स क्या होते हैं एंड देन वी हैव दिस मल्टी चाइल्ड लेआउट्स ठीक है सो so, वो क्या होते हैं सो so, यहाँ लेआउट में आप आ जाए तो हमारे पास देखें ये तमाम विजिट्स हैं ठीक है एस अलाइन विजिट एस्पेक्ट्रेशो यू कैन सी एक्सपेंडेड विजिट ये फिटेड विजिट एंड यहाँ पर बहुत सारे विजिट्स हैं जो कि हम आगे जाके एक्सप्लोर करेंगे बट ये देखें ये तमाम साइज बॉक्सड हो गया साइज ओवरफ्लो हो गया ये क्या था ये सिंगल चिल्ड्रंस थे सिंगल ले आउट चिल्ड्रंस थे अब हम बात करते हैं मल्टी ले आउट चिल्ड्रंस की ठीक है सो मल्टी ले आउट मल्टी चाइल्ड ले आउट्स विजिट सो मल्टी चाइल्ड ले आउट विजिट्स में ना तीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट विजिट्स हैं दैट इज फर्स्ट इज कॉलम सेकेंड इज रो एंड द थर्ड वन इज स्टैक्स ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और uh, आपकी जो पूरी फ्लटर की यू आई है ना वो इन कंपोनेंट्स के ऊपर या इन विजिट्स को यूज करती है वन वे आर द अदर ठीक है वो इन कंपोनेंट्स को यूज़ करती है इन कंपोनेंट्स को इन विजिट को यूज करते हुए आपकी तमाम जो यूआई है वो हम बिल्ड करते होते हैं उसको हम यूज करते होते हैं उसको हम यूटिलाइज करते होते हैं ठीक है सो नाउ इफ़ यू गो बैक एंड लेट्स गो टू आवर स्क्रीन एंड नाउ वट वी नीड टू डू यहाँ पर हम देखते हैं कि सेव कर दिए इसको हमने ओके okay. अब हम क्या करते हैं अब ये जो बॉडी है ना इस बॉडी को हम रिमूव कर देते हैं ओके okay. यहाँ से इस बॉडी को मैंने रिमूव कर दिया ठीक okay, है उसको मैंने सेव कर दिया अब ये सेव हो गई एंड नाव हमने मल्टी चिल्ड्रंस लेआउट को सीखेंगे ठीक है कि मल्टी ले आउट चिल्ड्रंस क्या होते हैं एंड हाउ इट वर्क्स ये किस तरह से काम करते हैं और इनको हम किस तरह से यूटिलाइज करेंगे सो so, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ओके सो मल्टी ले आउट चाइल्ड्स क्या होते हैं हमने अब इसके बारे में बात करनी है सो so, फ्लटर में आपको मैंने स्टार्ट से बताया था एनी थिंग दैट यूज ऑन ए स्क्रीन ऑन मोबाइल इज विजिट ये कलर विजिट है ये टेक्स्ट विजिट है ये आइकन आपको नज़र आ रही है ये विजिट है हर चीज़ फ्लटर में विजिट है ओके okay? एंड हमारे पास फ्लटर में वैसे तो विजिट्स मेन मेन जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं एक होते हैं स्टेट लैस विजिट्स एंड एक होते हैं स्टेटफुल विजिट्स ओके okay? बट लेआउट जो होती है वो डिफरेंट विजिट्स से बनती है अब लेआउट क्या होती है लेआउट इज़ बेसिकली दिस ये जो आपको व्यू यहाँ पे ये फुल व्यू नज़र आ रहा है ये बेसिकली लेआउट है ओके एंड देन ये लेआउट जो है ये विजिट से बनती है फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देखें ये जो लेआउट है ओके okay, या ये जो विजिट है ऐप पर ओके सो हमने यहाँ पर इसको लेआउट का नाम दिया है एंड ये जो लेआउट है ये आपके पास यहाँ पर बन रही है ऐप पर विजिट से इस विजिट से या yeah? देन आपके पास ये बॉडी है ओके एंड बॉडी जो है आपके पास स्कैफल्ड से आती है ठीक है एंड स्कैफ़ल्ड इट्स सेल्फ एक विजिट है सो so ये लेआउट जो है इस स्कैफल्ड विजिट से बन रही है नाओ द थिंग इज़ अब हमने जाना है मल्टी लेआउट आउट विजिट्स की तरफ अभी तक हम सिर्फ सिंगल लेआउट आउट विजिट्स को स्टडी कर रहे थे मींस वो विजिट जो जिनका एक चाइल्ड होता है ओके okay? वो मल्टीपल चिल्ड्रंस को वो नहीं एक्सेप्ट कर सकते नाउ वी विल मूव टूअ द नेक्स्ट फेज नेक्स्ट फेज जहाँ पर हम और विजिट्स को पढ़ेंगे वो विजिट्स जिनके मल्टीपल चिल्ड्रेंस होते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास विजिट्स हैं मल्टी लेआउट आउट चिल्ड्रंस में वो कौन कौन से हैं एक

मल्टी ले आउट चिल्ड्रंस ओके एंड यहाँ पर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर लें विच इज़ डॉक्स डॉट फ्ल्टर डॉट डेव ओके यहाँ पर आप आ जाए एंड बॉटम में आप बॉटम के ऊपर चले जाएँ ओके यू विल सी दिस मल्टी चाइल्ड ले आउट द फस्ट वन इज कॉलम एंड एंड वी हैव और दर्स एस वेल जिसमें आपके पास लिस्ट व्यू आ जाता है रो विजिट आ जाता है ठीक है अब इन तमाम विजिट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे बट लेट्स गो टू द कॉलम विजिट एंड कॉलम जो मल्टी विजिट है ये किस तरह से और विजिट को एक्सेप्ट करता है इसकी कितने मल्टीपल चिल्ड्र चिल्ड्रंस आप क्रिएट कर सकते हैं एंड किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं सो so उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे ओके okay? डिस्कशन करेंगे एंड मैं आपको प्रैक्टिकली वो इम्प्लीमेंट भी करके दिखाऊँगा सो लेट्स गो टू अवर कोड एंड यहाँ पर अगर आपको याद हो तो स्कैफ़ल्ड में क्या होता है स्कैफ़ल्ड की बेसिकली बॉडी होती है ओके okay? नाउ इस स्कैफ़ल्ड की हम बॉडी को यूज़ करते हैं एंड अगर यहाँ पर आप देखें तो बॉडी क्या एक्सेप्ट कर रहा है विजिट ओके सो फॉर अगर आपको याद हो इससे पहले हम इसको सिर्फ़ एक विजिट प्रोवाइड कर रहे थे एंड दैट वॉज कंटेनर विजिट ओके फिर कंटेनर विजिट को हमने रैप किया था सेंटर विजिट के साथ ओके सो सेंटर विजिट इज सेल्फ सिंगल लेआउट विजिट था वो सिर्फ एक चिल्ड्रन को एक्सेप्ट करता था अब हम मल्टी लेआउट चिल्ड्रंस को स्टडी कर रहे हैं जो कि मल्टीपल चिल्ड्रन को एक्सेप्ट करते हैं एंड देन आपकी जो व्यू है आप उसके ऊपर यू uh, को डिज़ाइन कर सकते हैं जो आपकी लेआउट है उसके ऊपर आप यूजर इंटरफेस डिज़ाइन करते हैं ठीक है सो so, ये आपकी बॉडी है अब बॉडी के बारे में आपको ऑलरेडी स्टार्ट में स्टार्ट से बता आ रहा हूँ कि आपकी जो बॉडी है ये ऐप और ये जो ऐप पार है ओके okay, इसके बिल्कुल बॉटम से स्टार्ट होती है बिलो एंड देन इसके साथ जो ये जितना भी व्यू नीचे आ जाता है आपकी बॉडी में इसको कंसिडर किया जाता है ओके okay, यहाँ तक आगे फिर हमारे पास और डिफरेंट टाइप के विजिट्स होते हैं उनकी वजह से ये व्यू सिर्फ यहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड है वो किस तरह से है, वो फिर हम फ्यूचर की वीडियोस में देखेंगे बट एनीवेज लेट्स लर्न द सेकंड विजिट एंड दैट इज़ कॉलम विजिट ओके जिस तरह हमारे पास ये ऐप और विजिट है टेक्स्ट विजिट है मिटीरियल ऐप विजिट है सिमिलरली हमारे पास कॉलम विजिट भी है और कॉलम विजिट का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली वेब डेवलपमेंट से uh, लिया गया ठीक है सो वेब डेवलपमेंट आप में से अगर कोई वेब डेवलपमेंट करता है तो वहाँ पर जब हम सी एस एस को यूज़ करते हैं किसी चीज़ को डिज़ाइन करने के लिए तो वहाँ स्पेसिफिकली हम कॉलम और रोस और कंटेनर्स विजिट्स को यूज़ करते हैं ठीक है अब उन विजिट्स को जब हम यूज़ करते हैं सिमिलरली क्योंकि फ्लटर 2018 में डिज़ाइन की गई है सो तो इसका जो मेन जो इसका कॉन्सेप्ट है ना वो आपकी वेब वेब डेवलपमेंट से लिया गया है so, सो वेब डेवलपमेंट से क्यों ली लि, क्यों लिया गया बिकॉज वो रिस्पॉसिवनेस होती है वो मल्टीपल डिवाइसेस के ऊपर भी रन होती है एंड स्टार्ट में मैंने फ़्लटर की इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि सिमिलरली फ्लटर जो है वो आप सिंगल कोड लिखते हैं एंड आपका जो कोड है वो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एग्जीक्यूट होता है रन होता है आपकी एप्लीकेशन बन जाती है एंड आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं सो नेक्स्ट थिंग अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं दैट इज़ कॉलम विजिट ओके okay, सो so आपने सिंपली यहाँ पर टाइप करना है कॉलम ओके एल एल यू एम एन ओके देन आप ब्रैकेट क्लोज करें ओके okay, आपने ब्रैकेट क्लोज कर दिया अगर अब आप इसको सेव करते हैं तो यू विल सी नथिंग नथिंग ठीक है अब आप कॉलम विजिट कॉलम विजिट के अब फॉर एग्जांपल आप इनसाइड आ जाएं ओके okay, सो so अब अगर कॉलम विजिट की आप प्रॉपर्टीज को स्टडी करें तो यहाँ पर देखें ये एक्सपेक्ट करता है लिस्ट ऑफ चिल्ड्रंस को ठीक है सो so, हम इसको यहाँ पर चिल्ड्रंस प्रोवाइड करेंगे यू सी दिस इज़ जस्ट लाइक दिस ठीक है ये चिल्ड्रंस हमने इसको प्रोवाइड कर दी है एंड दिस चिल्ड्रन एक्सेप्ट एरे अब एरे क्या होती है उसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे फॉर द टाइम बिंग आप इसको ही फॉलो करें जिस तरह से आप आ, मैं मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इस तरह से करें ठीक है आप मेरे साथ फॉलो करें फॉर द टाइम बिंग दैन अवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको खुद अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हाउ दिस वर्क ओके नाउ दिस कॉलम विजिट अब यहाँ पर जो कॉलम विजिट है ये मल्टीपल चिल्ड्रन को एक्सेप्ट करता है ओके एंड नाउ लेट मी एक्सप्लेन फॉर द मोर सो फॉर एग्जांपल आप कंसीडर करें अब आपकी जो ये बॉडी है ओके okay, इस बॉडी को इस फुल बॉडी को अब आपके इस कॉलम ने ऑक्योपाई कर लिया ठीक है आपके पास कॉलम है एंड देन कॉलम के अंदर आपको आईडी आपको ऑलरेडी पता होता है कि कॉलम के अंदर आपके पास मल्टीपल रोज होती हैं ठीक है अगर आप मैट्रिक्स मैट्रिक्स को आपने स्टडी किया हो मैथमेटिक्स में तो आपने आप वहाँ पर हम लोग सीखते हैं किस तरह से रोज होते हैं एंड देन कॉलम्स होती हैं ओके सो लेट्स मूव फर्दर अहेड एंड देन ये अब जो कॉलम विजिट है मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ये कॉलम विजिट एक्सेप्ट करता है आपके पास चिल्ड्रंस ओके okay? इसके चिल्ड्रंस हैं एंड आप इसको मल्टीपल चिल्ड्रन मल्टीपल चाइल्ड या मल्टीपल विजिट्स आप इसको प्रोवाइड कर सकते हैं सो फॉर एग्जांपल मेरा जो फर्स्ट विजिट है वो है टेक्स्ट विजिट ओके एंड टेक्स्ट में इसको मैं कह देता हूँ फर्स्ट विजिट ओके एंड अब मैं इसको सेव करता हूँ सो यू विल सी कि यहाँ पर देखें आपके पास टॉप के ऊपर आ गया है फर्स्ट विजिट सो मैं आपको बता रहा था कि कॉलम जो होता है वो हम फॉर एग्जांपल देखें आप कंसीडर करें दिस इज़ अ बॉक्स ओके या लेट मी जस्ट गो मूव हैंड एंड मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ कि कॉलम क्या होता है सो मॉकअप्स ओके ऑनलाइन मॉकअप्स ओके मैं चाहता हूँ कि आपके ये कॉन्सेप्ट जो हैं ये क्लियर हों ताकि जब हम आगे जाएं तो आपको आप डिफिकल्टीज फेस ना करना पड़े ठीक है मे बी आपको ये इतना इस तरह फील हो रहा होगा कि जिस तरह से टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है बट इफ़ यू गॉट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉलम एंड रो विज और मल्टी ले मल्टी चाइल्ड ले आउट्स की आपको अंडरस्टैंडिंग होगी दैन ईच एंड एवरी थिंग इज जस्ट एट योर फिंगर टिप्स ओके सो नाउ थिंक ऑफ दिस देखें यह आपके पास एक कॉलम है ओके एंड कॉलम के अंदर देखें फिर आपके पास ये फर्स्ट रो है सेकेंड रो है थर्ड रो है फोर्थ रो है फिफ्थ रो है ओके okay? अभी हमने क्या किया था अभी हमने ये फर्स्ट रो में हमने एक टेक्स्ट विजिट को यहाँ पर शो करवाया था ठीक है सो so, इस टेक्स्ट विजिट को यहाँ पर हमने क्या किया था शो करवाया था ओके सो फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्स्ट विजिट ओके अब यहाँ पर देखें ये ये एक पूरा कॉलम है ओके okay, एंड इस कॉलम के अंदर हमारे पास मल्टीपल रो हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है डिपेंडिंग अपॉन आप कितनी इसके अंदर रो ऐड करना चाहते हैं नाउ अब सिमिलरली अगर आप चाहते हैं कि अब आप दूसरा टेक्स्ट आप यहाँ पर शो करवाना चाहते हैं ये सेकेंड रो में आ जाएगा ओके नाउ लेट्स गो बैक टू द कोड एंड सी अगर सेम यहाँ पर मैं यहाँ पर कॉलन ऐड करता हूँ ओके एंड यहाँ पर अगेन मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड नीचे पेस्ट कर देता हूँ अगेन सेव करता हूँ ओके okay? और यहाँ पर मैं इसको कहता हूँ सेकेंड एस ई सी सेकेंड विजट ओके एंड मैं इसको सेव करता हूँ तो यू विल सी कि अब आपके पास जो आपका विजिट है ना वो नीचे लेआउट चिल्ड्रन कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज होता जा रहा है ठीक है नाउ यहाँ पर हम एक और काम करते हैं वो है स्काफल्ड का बैकग्राउंड और हम इसको रिमूव कर देते हैं एंड देन हम इसको सेव करते हैं ताकि आपको क्लियर नज़र हो फर्स्ट विजिट सेकेंड विजिट ओके वन अदर थिंग यहाँ पर देखें आपके पास एक वार्निंग आ रही है एंड वार्निंग ये आ रही है कि आप यहाँ पर कॉन्स्ट कीवर्ड यूज़ करें अब ये कॉन्स्ट कीवर्ड क्या होता है ये बेसिकली हम यूज़ करते हैं जब आपकी आपके कोई भी विजिट जिसकी वैल्यू रन टाइम पर चेंज ना हो रही हो तो हम उसके साथ कॉन्स्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं सो फॉर एग्जाम्पल यू सी ये दिस इज़ आसिफ ताज ठीक है ये आसिफ ताज अब ये कांस्टेंट है ठीक है इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही रन टाइम पर तो यहाँ पर आपसे वो कह रहा है कि प्लीज़ आप यहाँ पर कांस्ट कीवर्ड यूज़ करें ताकि आपके कंपाइलर को आइडिया हो जाए कि ये चेंज नहीं होगा रन टाइम के ऊपर ओके नाउ सिमिलरली अगर मैं इसको कॉपी करूँ एंड यहाँ पर पेस्ट करना स्टार्ट कर करूँ ठीक एंड अगेन अभी देखें यहाँ पर आपके पास सिर्फ दो विजिट हैं इसको आपने सेव किया एंड यहाँ पर देखें आपके पास विजिट्स ही विजिट्स नीचे और विजिट्स आना शुरू हो गए हैं ठीक है यहाँ तक आप लोगों को आई होप कि समझ आ, आ रही होगी नाउ कॉलम में जो कॉलम जो होता है ना वो आपके पास वर्टिकली चीज़ों को बिल्ड करता है रिमेंबर दिस वर्टिकली मीन्स आपके पास इस तरह से यू नीचे की तरफ वर्टिकली चिल्ड्रंस को एक्सेप्ट करता है जैसा मैंने आपको कहा था कॉलम क्या है मल्टी चाइल्ड लेआउट है ओके okay? तो वो मल्टीपल चिल्ड्रन को एक्सेप्ट करता है देखें ये ये टेक्स्ट विजिट था ठीक है नाउ सी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अब यहाँ पर देखें ये है एक सेंटर विजिट ओके सेंटर विजिट सिर्फ चाइल्ड सेंटर विजिट एक्सेप्ट करता है चाइल्ड को और ये चाइल्ड फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसको मैं असाइन करता हूँ टेक्स्ट ओके एंड यहाँ पर मैं कहता हूँ सेंटर विजिट ओके okay, एंड यहाँ पर अगेन मैं कॉम कॉमा ऐड करता हूँ और देखें इसको मैं सेव करता हूँ तो अब आप देखें आपका यहाँ पर जो टॉप पर आ रहा है वो क्या है सेंटर विजिट है ओके okay, सेंटर विजिट आपके पास टॉप के ऊपर आ गया है बट इट्स अब ये फर्स्ट विजिट जो है ये लेआउट विजिट है ठीक है ये मल्टीपल चिल्ड्रन्स को एक्सेप्ट करता है बट अगेन मल्टी चिल्ड्रन जब एक्सेप्ट करता है तो आपके पास ये जो फर्स्ट विजिट है ये इट्स सेल्फ ए सिंगल चिल्ड्रन लेआउट चिल्ड्रन लेआउट विजिट है ठीक है ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो गया बट इट्स ईजी आई नो यू कैन यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग इन वट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड ओके ये देखें अब कॉलम मैंने आपको कहा था क्या करता है आपके लिए वर्टिकली चीज़ों को बिल्ड करता है ठीक है अब मैं यहाँ पर अगेन इस टेक्स्ट विजिट को रिमूव कर देता हूँ सेव करता हूँ एंड यू विल सी यहाँ पर कुछ भी नहीं है ठीक है अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी बताता चलूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैंने डॉक्टर इंजिला यू कोर्स से मोटिवेट मोटिवेट होकर इसमें इंक्लूड किया बिकॉज उस डॉक्टर इंजिला यू का जो फ्लटर का कोर्स है उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त वे में एक्सप्लेन किया है मल्टी चिल्ड्रन लेआउट को अंडरस्टैंड करने के लिए सो मैं उससे मोटिवेट हुआ हूँ एंड जैसा ना हमने फर्स्ट स्टडी किया था कंटेनर विजिट अब मैं यहाँ पर एक कंटेनर विजिट यूज़ करता हूँ ओके कंटेनर विजिट एंड कंटेनर विजिट में आपको पता है कि यहाँ पर कंटेनर एंड इसका एक चाइल्ड होता है ठीक है ये चाइल्ड को एक्सेप्ट करता है एंड यहाँ पर इसको मैं देता हूँ क्या सेंटर सॉरी ये टेक्स्ट विजिट ठीक है सो कंटेनर वन ओके एंड यहाँ पर देखें तो अब आपके पास ये एरर आ रहा है ठीक है अगर आप इस एरर को मॉडिफाई करें तो कह रहा है कंस्ट्रक्टर द कंस्ट्रक्टर बीइंग कॉल्ड इज इज नॉट अ कंस्ट्रक्टर ओके एंड यहाँ पर अगर आप इसको रिमूव कर दें ओके okay, तो देखें अब आप आपकी वार्निंग यहाँ से चली गई है ओके okay. नाउ अगर आप यहाँ पर इसको हाइट दे दें फॉर एग्जांपल 100 पिक्सल एंड विथ आप इसको दे दें 100 पिक्सल ओके एंड देन आप इसको यहाँ पर इसकी जो कलर प्रॉपर्टी है वो आप यूज़ करें एंड कलर प्रॉपर्टीज़ में हम कलर्स किस तरह से असाइन करते हैं कलर्स सी ओ एल ओ आर कलर्स डॉट यहाँ पर फॉर एग्जांपल पिंक कर दें एंड आप इसको रन कर दें ओके okay? एंड अब जब रन करेंगे तो आपके पास ये फर्स्ट कंटेनर आ जाएगा ठीक है नाउ द थिंग इस अब आपके पास फर्स्ट कंटेनर तो आ गया है लेकिन अब देखें यहाँ पर ये यह जो टेक्स्ट विजिट है ये आपके पास यहाँ पर देखें टॉप के ऊपर आ रहा है तो इसके ऊपर अलाइनमेंट किस तरह से काम करती है आपने इसको सेंटर किस तरह से करना है उसके लिए हमारे पास एक विजिट है सेंटर उसके लिए आपने क्या करना है आपने यहाँ पर माउस को यहाँ थोड़ा सा होल्ड करना है या आपने ऑल्ट अगर आप मैक यूज़र हैं आपने ऑल्ट प्रेस करना है ओके और अगर आप अगर आप मैक यूज़र हैं तो आपने सॉरी ऑप्शन एंड इंटर सॉरी सॉरी ओके ओके okay, सो so अगर आप मैक यूज़र हैं तो आपने ऑप्शन एंड प्रेस करना है तो आपके पास देखें ये बंच ऑफ ऑप्शन आ जाएंगे एंड यहाँ से आप कोई भी विजिट चूज़ कर सकते हैं सो so इसको यहाँ से देखें रैप विद विजिट तो, तो यहाँ पर आप रैप करेंगे और विजिट का नेम आप यहाँ पर देखें आपके पास ऑटो सजेशन भी आ रही है यहाँ से आप नेम सेलेक्ट कर लेंगे और इसको सेव कर देंगे तो अब आपका जो अब आपका जो नेम है वो यहाँ सेंटर पर आ गया है ठीक है अब नेक्स्ट थिंग नेक्स्ट थिंग एंड दैट इज़ अब आप यहाँ पर इस यहाँ पर देखें स्टिल आपके पास यहाँ पर वार्निंग आ रही है क्यों कि आप देखें कंटेनर का जो नेम है वो तो चेंज नहीं हो रहा ना तो आप यहाँ पर कॉन्स्ट कीवर्ड ऐड करेंगे सो so, आप कंपाइलर को बता रहे हैं कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही एंड यहाँ पर अब आप कॉमा लगा देंगे कॉमा लगाने के बाद आपने यहाँ से इसको कॉपी करना है एंड आप नीचे यहाँ पर पेस्ट कर दो दफ़ा आप इसको पेस्ट कर दें दिस इज़ कंटेनर टू दिस इज़ कंटेनर थ्री एंड इसका जो कलर होगा वो ब्लू ओके एंड यहाँ पर इसका जो कलर होगा फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं कर देता हूँ कलर्स डॉट डील ओके एंड अब अगर मैं सेव करता हूँ ओके सेव करता हूँ तो यहाँ पर अब आप देखें अब आप आपके पास यहाँ पर तीन विजिट आ गए हैं कंटेनर वन कंटेनर टू कंटेनर थ्री ओके जो कि आपकी लेआउट को बिल्ड कर रहे हैं ठीक है नेक्स्ट थिंग अब यहां पर हमारे पास एक और विजिट है उसको हम कहते हैं साइज ओके साइज बॉक्स अब आप देखिएगा साइज साइज बॉक्स ओके ये जो साइज बॉक्स विजिट है ना ये एक्सेप्ट करता है हाइट एंड विथ दैट्स इट अब अगर आप इसको यहां पर हाइट देंगे फॉर एग्जाम्पल फिफ्टीन पिक्सल ओके एंड यहाँ पर आप कॉमा ऐड कर देंगे एंड अगेन आपके पास देखें वार्निंग आ रही है तो आपने यहाँ पर कॉन्स्ट कीवर्ड ऐड करना है तो आपकी वार्निंग चली जाएगी क्योंकि ये रन टाइम के ऊपर इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही एंड अब आप इसको सेव करें तो देखें यहाँ पर आपके पास स्पेस आ गई है फिफ्टीन पिक्सल की ओके सो साइज बॉक्स इस पर्पज़ के लिए होता है और विद हम कब यूज़ करेंगे जब हम हाइट तब यूज़ करते हैं जब हमने वोल्टी के लिए चीज़ों के बीच में हाइट को एंटरटेन करना हाइट को ऐड करना है ठीक है किसी दो विजिट के बीच में कोई स्पेस क्रिएट करनी है ठीक है अगेन आप इसको यहाँ से कॉपी कर लें एंड नीचे पेस्ट कर दें एंड अगेन आप इसको सेव करें तो यू विल सी कि यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू है या आपके पास जो साइज बॉक्स है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है अब आपने आ जाना है यहाँ पर कॉलम में और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं अलाइनमेंट से रिलेटेड मैं आपको अब एक्सप्लेन करता हूँ अब देखें ये जो ये जो हम इसको कॉलम प्रोवाइड कर रहे हैं ये कॉलम विजिट ओके इसको मैं यहाँ से मिनिमाइज कर देता हूँ इन इन विजिट्स को ताकि आपको आइडिया हो सो so, ये देखें ये फुल बॉडी ऑक्युपाई कर रहा है फुल बॉडी अब फुल बॉडी क्या है फुल बॉडी आपकी ये तमाम स्पेस है यहाँ से ले ये फुल ओके okay? लेकिन आपकी जो स्पेस है वो यहाँ तक ऑकुपाई हुई है ठीक है सो so, अब आप इनको अलाइन कर सकते हैं इसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं आप इसको बता सकते हैं कि अब देखें ये फुल और स्पेस ऑफ पाइक्यू ना आप इसको बताएं आप बॉटम पर चले जाएं आप राइट right पर चले जाएं आप राइट लेफ्ट बॉटम पर चले जाए ठीक है आप जहां आप इसको से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं वो आप मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ फर्स्ट है आपके पास मेन एक्सिस अलाइनमेंट ठीक है एंड देन ये एक्सेप्ट करता है मेन एक्सिस अलाइमेंट डॉट स्टार्ट ठीक है इसको मैं सेव करता हूं तो यू विल सी नो डिफरेंस अब मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस क्या होता है मेन एक्सिस क्रॉस एक्सिस ठीक है मेन एक्सिस मेन एक्सिस पे बताते हैं आप इसको कि आप मेन एक्सिस पे किस तरह से आपने अलाइन होना है सो so, अब आप देखें यहां पर मेन एक्सिस इसका क्या है स्टार्ट तो ये स्टार्ट पर है सो फॉर एग्जांपल आप इसको कहते हैं आप एंड पे चले जाएं तो यहां पर आप, आप इसको सेव करें ठीक है मेन एक्सेस सॉरी मैं गलत बोल लिया था स्टार्ट में सो so, ये है आपका मेन एक्सेस ओके मेन एक्सेस मैं आज तक इसमें कंफ्यूज हो जाता हूं मेन एक्सेस क्या होता है क्रॉस क्रॉस एक्सेस क्या होता है सो so, ये है आपका मेन एक्सेस एंड ये होगा आपका क्रॉस एक्सेस सो अगर आप मेन एक्सेस की प्रॉपर्टीज को आप इंटरटेन करेंगे ना तो मेन एक्सेस आपके पास इस तरह से वर्टिकली ये शिफ्ट करेगा अपनी पोजीशन को एंड अगर आप क्रॉस एक्सिस की प्रॉपर्टीज के साथ प्ले करेंगे तो वो क्रॉस एक्सिस पे शिफ्ट करेगा अपनी प्रॉपर्टीज को सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर अब आप आपको कहते हैं सेंटर uh, ओके okay? जब आप इसको करते हैं सेंटर तो यहाँ पर देखें ये आपका मेन एक्सेस पे यहाँ पर देखें सेंटर में आ चुका है यहाँ से भी इक्वल स्पेस आपकी यहाँ से आ रही है और यहाँ से भी आपके पास इक्वल स्पेस आ रही है ठीक है द नेक्स्ट थिंग इसके यहां से अब आप इसकी फॉर एग्जाम्पल आप स्पेस बिटवीन स्पेस स्पेस बिटवीन आप यूज करें ठीक है सो अब क्या होगा जितने भी स्पेस बिटवीन अगर आप यूज करते हैं तो जितने भी विजिट्स होंगे उनके बीच में ये स्पेस ऑकुपाई कर लेगा ठीक है जितने भी विजिट्स होंगे वो उनके बीच में स्पेस को ऑक्योपाई कर लेगा ठीक है अब एक चीज़ अगर आपने यहाँ पर देखी हो तो ये विजिट बिल्कुल बॉटम पे चला गया है एंड यहाँ पर आपको यह विजिट नज़र नहीं आ रहा ठीक है सो so, उसके लिए हमारे पास एक विजिट यूज़ होता है उसको हम कहते हैं सेफ एरिया सो so, अब आप इसको यहाँ पर रैप कर दें विजिट के साथ वो मैंने आपको सिखा दिया है किस तरह से आपने क्या करना ऑप्शन और इंटर आपने ऑप्शन की प्रेस होल्ड करनी है और आपने इंटर दबाना है तो आपके पास यहाँ पर विजिट आ जाएगा आपने इसको सेफ़ एरिया किया और यहाँ पर देखें अब आपका ये जो विजिट है ये टॉप पे आ गया ठीक है सो सेफ़ एरिया क्या करता है अगर आप ये देखें तो ये आपका जो मोबाइल का एरिया है ना जहाँ पर आपको टाइम नज़र आ रहा है और यहाँ पर आपको ये आइकन्स नज़र आ रही हैं सो so, ये होती है आपके मोबाइल का टॉप बार ठीक है अब आपका विजिट यहाँ पर तो ऑब्वियसली नहीं आना चाहिए ना तो अब आप क्या करते हैं आप अपनी अपने विजिट्स को बताते हैं सेफ़ एरिया के अंदर रैप करके कि आपने अपनी इस स्पेस से बाहर नहीं जाना ठीक है अब आप देखें ये जो है ये आपको जो नज़र आ रहा है ये मोबाइल का एरिया है ठीक है या आपने विंडोज़ के ऊपर आपके पास जो एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं उसके बॉटम भी तीन बटन होते हैं वो क्या होता है वो आपका एरिया होता है मोबाइल का एरिया होता है जहाँ से आप मोबाइल की सेटिंग्स को कंट्रोल करते हैं ठीक है सो आप जब हमने इसको व्राप कर दिया तो ये देखें ये टॉप पर चला गया ठीक है फिर अगेन यहाँ पर स्पेस बिटवीन किया तो इन तमाम विजिट्स के बीच में इक्वल स्पेस आ गई है ठीक है ये जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अंडरस्टैंडिंग में अंडरस्टैंडिंग होगी और वो लास्ट में अब जब हम ए पी आई अपनी आ, मैं आपको जब सिखाऊंगा लास्ट में आ, क्या कहते हैं उसको मैं आपको जब आप यू बनाना सिखाऊँगा तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा फिर आपके पास है स्पेस इवनली ठीक है अगेन आपने इसको सेव करें ठीक है तो अब आप देखें इन तमाम विजिट्स के पास इन तमाम विजिट्स के बीच में इवन स्पेस आ गई है ठीक है लेकिन अगर आपने एक चीज़ नोटिस की हो ये तीन कंटेनर विजिट हैं अगर आपने यहाँ पर कोई और विजिट ऐड करना है फॉर एग्जाम्पल आपने टेक्स्ट विजिट ऐड करना है तो आप वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं सो फॉर एग्जाम्पल आसिफ ताज एंड आप इसको सेव करें एंड यहाँ पर आप कॉमा ऐड करें सेव करें तो देखें आपका ताज विजिट यहाँ पर आ चुका है ठीक है अगेन अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि आप दूसरा विजिट यूज़ करना चाहते हैं आप यहाँ पर इसको कॉपी करें ओके okay? आप नीचे पेस्ट कर दें एंड यहाँ पर मैं कह देता हूँ सब्सक्राइब मी ओके एंड अगेन मैं इसको सेव करता हूँ तो आपके पास नेक्स्ट विजिट यहाँ पर आ चुका है ठीक है सो मेन एक्सेस क्या होता है आपके लिए वर्टिकली चीज़ों को अलाइनमेंट में हेल्प करता है देन आपके पास होता है क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट एंड देन अगर आप क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट डॉट सेंटर कर दें फॉर एग्जाम्पल ओके सो जैसे ही आपने किया आप देखें यहाँ पर कुछ अभी आप आपको नहीं आ, यहाँ पर एंटरटेन नहीं हो रही चीज़ें ठीक है सो so, अब आप करते हैं स्टार्ट कर दें फॉर एग्जाम्पल मैं आपको स्टार्ट से चीज़ें समझाता हूँ यहाँ पर मेन एक्सिस भी स्टार्ट कर दें एंड क्रॉस एक्सिस भी स्टार्ट कर दें और सेव कर दें अब आप देखें मेन एक्सिस मेन एक्सिस ये है आपकी ठीक है एंड क्रॉस क्रॉस एक्सिस ये है आपकी ठीक है तो अब आप कहते हैं कि मेन भी स्टार्ट भी आ जाए और क्रॉस में भी स्टार्ट आ जाए ठीक है लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अब आप क्रॉस में क्रॉस एक्सेस में आप इसको एंड पे ले जाए ठीक है सो नथिंग हैपन बिक क्रॉस एक्सेस ये होता है ठीक है एंड एम सिंह सो मेन एक्सेस एंड क्रॉस एक्सेस ठीक है सो यहां पर अब हम इसको क्या करते हैं सेंटर सेंटर एंड यहाँ पर इसको भी हम सेंटर कर देते हैं ठीक है सो यू विल सी अब आपका जो विजिट है देखें सेंटर पर आ चुका है ठीक है अगर आप यहाँ पर इसको एंड कर दें एंड यहाँ पर भी आप इसको एंड कर दें एंड सेव करें तो अब अब आप देखें आपका जो विजिट है वो सेंटर पर सॉरी uh, एंड पर आ चुका है ठीक है सो दिस इज़ हाव यू कैन प्ले विथ दिस अलाइमेंट ओके ना लेट्स मूव अ एंड अब हम स्टडी करते हैं रो विजिट को ओके okay. अब इसको मैं सेव करता हूँ अगेन ओके इसको मैं सेव करता हूं on, इसको मैंने सेव किया ओके okay. और यहां पर मैं इसको स्टार्ट पे ले जाता हूँ स्टार्ट स्टार्ट ओके एंड सेव कर दिया मैंने अब कॉलम विजिट जो है वो आपके लिए वर्टिकली अलाइन करता है विजिट्स को वर्टिकल स्पेस आपको प्रोवाइड करता है कि आप वर्टिकल स्पेस में अपनी यूआई को डिजाइन करें सो रो विजिट क्या करता है रो विजिट आपके लिए हॉरिजेंटली रो विजिट आपके लिए हॉरीजेंटली हेल्प करता है कि आप अपनी हॉरिजेंटल यूआई बना सकें ठीक है सो फॉर एग्जाम्पल सो फॉ फर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पर इस कॉलम विजिट को सिर्फ रो विजिट के साथ रिप्लेस कर देता हूँ, ओके एंड मैं इसको सेव करता हूँ ओके okay? जब मैंने इसको सेव किया तो अब आप देखें अब आपके पास ये रो फॉम में यहां पर देखें रो में आपके पास क्या हो गया है विजट uh, जो है वो रो फॉर्म में रो uh, में अलाइन हो गए हैं ठीक है सो रो इट्स सेल्फ मल्टीपल चिल्ड्रन को एक्सेप्ट करता है तो चिल्ड्रन वन चिल्ड्रेन टू एंड चिल्ड्रेन थ्री अगर आपने एक चीज नोटिस की हो तो ये है आपका फर्स्ट कंटेनर विद पिंक कलर एंड यह आपके पास साइज बॉक्स जिसकी अब हाइट तो 15 है लेकिन यहाँ पर आपको स्पेस देनी हो तो आपने क्या यूज़ करना है अब आपने विथ को यूज़ करना है जब आप विथ को चेंज करेंगे सेव करेंगे तो यहाँ पर देखें आपके पास विथ जो है वो 15 पिक्सल की यहाँ पर विथ आ चुकी है अब आपके पास देखें हाइट काम नहीं कर रही सो वट डज इट मीन्स कि अगर आपने टल में स्पेस देनी है तो आपने साइज बॉक्स को यूज करते हुए आपने इसको विथ देनी है हाइट आप नहीं दे सकते ठीक है अगेन यहाँ पर आप इसको विथ दे दें ये एंड आपका ये देखें फिफ्टीन पिक्सल पे अरेंज हो चुका है अगेन अब आप आपने क्या करना है आपने अब आप, आप यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज के साथ खेलना चाहते हैं तो अगेन आप इसको एंड करें ओके ओके जस्ट सेकेंड एंड ओके सो अब आप देखें अब आप देखें यहाँ पर ये आपके पास जैसे ही मैंने इसको एंड किया तो यहां पर देखें आपके पास इस साइड पर अलाइन हो गया सो फॉर एग्जांपल इसको मैं सेंटर करता हूँ तो देखें अब आपके लिए सेंटर पर अलाइन हो गया सो so, इसको मैं अगर स्टार्ट करता हूँ तो अब आप देखें आपके पास यहाँ पर स्टार्ट के ऊपर ये विजिट जो है वो चला गया है सो दिस इज हाउ इट वर्कस नाउ लेट मी एक्सप्लेन अफर द मोर सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास है एक और विजिट क्या था इसको हम वापस कॉलम विजिट में कन्वर्ट कर देते हैं कॉलम विजिट में ओके एंड यहाँ पर जो साइज बॉक्स की विथ थी इसको मैं अगेन हाइट में कन्वर्ट कर देता हूँ ओके हाइट सो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया सेव किया अब आपके पास देखें ये विजिट आ गए एज इट इज़ नाउ आप चाहते हैं कि ये जो कॉलम विजिट है इसी कॉलम विजिट के अंदर मैं रो विजिट को यूज़ करूँ ठीक है क्योंकि आपकी यू की डिमांड डिमांड है तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं अगेन आप यहाँ पर आ जाएंगे ठीक है अब आपने सिंपली यहाँ पर रो 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 के अंदर आपने यहाँ पर कॉमा ऐड कर देना है देन आप इसके चिल्ड्रंस एंड चिल्ड्रंस के अंदर आप आ जाए एंड यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आप टेक्स्ट विजिट को यूज़ करना चाहते हैं टेक्स्ट आसिफ ताज ओके एंड आप इसको सेव कर दें तो यहाँ पर देखें आपके पास आसिफ ताज टॉप पे आ गया है अब आप चाहते हैं इस रो के अंदर इस तरह हॉरिजेंटली और विजिट्स आ जाएं फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम आइकन विजिट यूज़ करते हैं ठीक है सो आइकन विजिट क्या होता है आइकन ओके एंड ये आइकनस का डेटा एक्सेप्ट करता है आइकनस ओके एंड यहाँ पर देखें मटेरियल आइकनस आपके पास तमाम मटेरियल आइकनस आपके पास आ जाती हैं एंड यहाँ पर इसको सेव करें तो आपके पास यहाँ देखें आइकन आ चुकी है अगेन आप इसको सेव करें यहाँ पर अगेन इसको सेव करें, करें पास यहाँ पे कॉपी कैड कर दें एंड आपके पास देखें यहाँ पर आ चुका है स्पेस आ चुकी है ठीक है अब आप चाहते हैं कि इनकी अलाइनमेंट को आप सेट कर सकें तो अगेन यहाँ पर आपने रो में आ जाना है मेन एक्सिस आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है इसकी मेन एक्सिस को आपने क्या करना है सेंटर कर दें ठीक है सेंटर तो ये सेंटर हो जाएंगे ठीक है एंड अगर आप चाहते हैं यहाँ पर मेन एक्सिस में स्पेस बिटवीन सेफ करें तो यहाँ देखें इनके पास इनके बीच में इक्वल स्पेस आ गई है अब आप चाहते हैं कि ये जो कंटेनर है ये उसके जो ऊपर रो विजेट है इससे इसकी हाइट इससे थोड़ा सा नीचे आ जाए स्पेस आ जाए तो अब आपने क्या करना है अगेन साइज बॉक्स अगेन आपने इसको हाइट एंड हाइट आप अपने कितने पिक्सल दे देंगे फॉर एग्जाम्पल आप इसको थर्टी पिक्सल फोटी पिक्सल दे दें ओके अगेन आप सेव करें इसको अब आप देखें आपका जो कंटेनर है वो फोटी फोर्टी पिक्सल्स नीचे आ गया ठीक है और आपके पास यहाँ आप देखें मल्टीपल जो आपके पास यहाँ पर एक्सेप्शन एरर uh, का वार्निंग आ चुकी है तो आप यहाँ पर कॉन्स्ट की वर्ड यूज़ कर दें बिकॉज ये जो आपकी एरे है ये बिल्कुल भी यहाँ पर नीचे चेंज नहीं हो रही अगेन ये साइज बॉक्स भी चेंज नहीं हो रहा तो यहाँ पर कॉन्स्ट कीवर्ड ऐड कर देंगे तो आपका जो इशू है वो सॉल्व हो जाएगा ठीक है आई होप कि आपको ये समझ आई होगी अगेन अब आप देखें यहाँ पर अब आप अगर यह है आपका कॉलम ठीक है अब ये ये है कॉलम कॉलम में आपके पास रो एंड फिर रो जब आपकी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है ये रो तो फिर आपके पास ये कॉलम के अंदर जो विज़िट्स हैं वो, वो यूज़ हो रहे हैं अब आप चाहते हैं कि यहाँ पर ये यह जो कॉलम के साथ जो स्पेसिंग है आप इसके साथ खेलना चाहते हैं सो फॉर एग्जांपल आप इसको सेंटर कर दें सेव करें तो देखें आपकी आपके जो कॉलम के अंदर जितने भी विजिट्स हैं वो यहाँ पर देखें सेंटर अलाइन हो चुके हैं ठीक है थीके? अब आप चाहते हैं कि आपका ये जो मेन एक्सेस है ये भी यहाँ सेंटर पर आ जाए तो यहाँ से आप इसको सेंटर अलाइन करें और आपका ये देखें मेन एक्सेस जो है वो यहाँ पर सेंटर पर अलाइन हो गया है ठीक है सो अगर आप चाहते हैं यहाँ पर आप इसको एंड पर ले जाएं, तो यहाँ पर देखें आपका ये जो कॉलम है ना कॉलम की जितने भी कॉलम है ठीक है ये कॉलम की इसकी बात करूँ ठीक तो है तो कॉलम के अंदर ये रो है रो भी अकॉर्डिंगली चेंज हो रही है जब हमने सेंटर किया था सेंटर हो गया था एंड कॉलम के अंदर जितने भी चिल्ड्रंस हैं वो देखें यहाँ पर एंड पे मैंने अलाइन किया था तो एंड पर चले गए हैं ठीक है अगेन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं इसको स्टार्ट पर ले जाता हूँ सेव करता हूँ ओके okay? तो ये देखें आपके स्टार्ट पे चले गए हैं एंड यहाँ पर आप इसको स्टार्ट पर लेकर आना चाहते हैं आपके क्रॉस एक्सेस को ठीक है तो यहाँ पर देखें ये भी आपके पास ये मैंने क्रॉस एक्सेस स्टार्ट पे किया और यहाँ पर आपके पास स्टार्ट पे आ गए ठीक है सो आई थिंक इससे अच्छी एक्सप्लेनेशन और हो नहीं सकती थी इसकी कॉलम और रो विजिट्स की और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इसको जब हम अभी मैं आपको फॉन्ट्स इंटीग्रेट करवाना सिखाऊँगा फॉन्ट्स जब हम इंटीग्रेट कर लेंगे एंड उसके बाद आ, जब हम अपनी लॉग इन यू आई बनाएंगे तो उसमें आपके तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि कॉलम को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं हम आ, अच्छी एक अच्छी यू आई बनाने के लिए ठीक है सो आई थिंक आई थिंक जितने भी हमारे पास कॉन्सेप्ट हैं एक यू आई को बनाने के लिए वो तमाम कॉन्सेप्ट हमने सीख लिए हैं ठीक है अब उन तमाम कॉन्सेप्ट को हम एक यू आई बनाने के लिए किस तरह से यूज़ कर सकते हैं वो अब हम नेक्स्ट वीडियो में जब हम प्रैक्टिकल एक प्रोफेशनल uh, यूआई बनाएंगे सो so उसके अंदर हम इम्प्लीमेंट करेंगे ठीक है सो उसमें फिर मैं so आप, अभी मैंने आपको सिखाना है कि आप फॉन्ट्स किस तरह से ऐड कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में सो so, जब फॉन्ट्स एड ऐड हो जाएंगे फॉन्ट्स हम फोन को हम प्रैक्टिकली यूज़ कर लेंगे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं वो करने के बाद फिर मैं आपको यू बनाना सिखाऊँगा ठीक है एंड uh, फिर हम फोन के ऊपर काम करते हैं हेलो हेलो वकीन सो सो फॉर मैंने आप लोगों को सिखाया कॉलम्स विजिट क्या होते हैं मल बेसिकली हमने डिस्कशन की लास्ट मॉड्यूल में कि कॉलम मल्टी लेआउट विजिट्स क्या होते हैं जिसमें हमने टॉप ऑफ द लाइन देखे कॉलम विजिट्स को स्टडी किया रो विजिट्स को स्टडी किया आइकन विजिट्स को टेक्स्ट विजिट्स को ओके एंड देन हमने इनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट uh, किया अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट को यहाँ पर हमने उसकी प्रैक्टिस की एंड मैंने आपको फिर अलाइनमेंट के बारे में स्टडी uh, करके दिखाया है किस तरह से आपकी जो अलाइनमेंट है वो किस तरह से काम करती है आपने कॉलम विजिट को किस तरह से यूज़ करना है रो uh, विजिट को किस तरह से यूज़ करना है एंड 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 मैनी मोर द नेक्स्ट थिंग अब मैं यहाँ पर एक आपको एक और कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा एंड दैट इज़ हाउ वी कैन यूज़ फोनस ठीक है फोनस को आप किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं किस तरह से अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आई थिंक इसके फॉन्ट्स होते क्या हैं ठीक है सो so, फॉन्ट्स जो है ना बेसिकली इट जस्ट फॉन्ट्स बेसिकली आपकी जो आपकी लुक है आपकी आपके जो टेक्स्चर व्यू होता है ओके okay, उसको इंहेंस करता है उसकी ब्यूटिफिकेसन को इन्हेंस करता है ठीक है आपकी जो ओवरऑल आपकी जो यू होती है आपकी यू को वो और ख़ूबसूरत बनाता है ठीक है ब्यूटीफुल बनाता है अब वो किस तरह से बनाता है चले मैं आपको यहाँ पर मैंने एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी यहाँ पर ओपन कर रखा है ये देखें ये एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है ठीक है इसको मैंने गूगल से कहीं से डाउनलोड किया है सो so, इसको मैंने गूगल से डाउनलोड किया है सो so, अगर आप इसको थोड़ा सा जूम करके देखें यहाँ पर ओके इट्स इट्स नथिंग ये कुछ भी नहीं है ठीक है ये जस्ट टेक्स्ट है बट टेक्स्ट आपको इतना खूबसूरत क्यों नज़र आ रहा है इतना ब्यूटीफुल क्यों नज़र आ रहा है बिकॉज इस टेक्स्ट के अंदर फॉन्ट्स यूज हुए हैं ठीक है डिफरेंट फॉन्ट्स यूज हुए हैं अब उन फॉन्ट्स को आप अपने अपनी फ्लटर ऐप में किस तरह से ऐड करेंगे किस तरह से यूज़ करेंगे इस वीडियो का जो होल पर्पस है वो ये है और इस वीडियो में आपको मैं ये तमाम कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा ठीक है अगर आप यहाँ पर देखें ये कितनी ज़बरदस्त किस्म का एक कार्ड है ओके एंड देन कार्ड विजिट में यहाँ पर आपके पास ये रो यूज़ हो रही है रो में टेक्स्ट यूज़ हो रहा है अगेन कंटेनर एंड देन टेक्स्ट अगेन कुछ और विजिट्स यूज़ हो रहे हैं वो हम ऐसा ऐसा स्टडी करेंगे जैसे जैसे हम स्टेप बा स्टेप वन स्टेप अहेड हम आगे की तरफ मूव करेंगे ठीक है so, सो ये एक एग्जाम्पल है अगर आप मैं इसको यहाँ पर देखें आपको एक देखें आपके पास इस तरह का व्यू नज़र आएगा जब ये प्रैक्टिकली कोई डिवेलपर इसको बनाएगा यहाँ पर आप सिंपली देखें कितना खूबसूरत व्यू आपको नज़र आ रहा है क्यों जस्ट इट्स फोनस ठीक है फ़ोनस इतने खूबसूरत यूज़ कर रखे हैं सेकेंड इज इज़ द कलर स्कीम जो यहाँ पर कलर यूज़ uh, हो रहा है ठीक है सो so, ये फ़ोनस की बेसिकली थ्योरी है ठीक है एंड अब फोनस को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं वो अब मैं आपको प्रैक्टिकली uh, सिखाता हूँ द फर्स्ट थिंग आपने करना है आपने गूगल ओपन कर लेना है ओके एंड यहाँ पर आपने सिंपली टाइप करना है गूगल फोन्ट्स ठीक है जब गूगल फोनस के ऊपर आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपके पास ये फर्स्ट वेबसाइट आएगी इन दैट इज फोंड्स डॉट गूगल डॉट कॉम ओके आपने इसको ओपन कर लेना है ओके okay? अब आप इस फोट्स आप जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखें आपके पास टोटल फोटीन ट्वेंटी फोर फैमिलीज़ हैं फॉन्ट्स की जिनको आप यूज़ कर सकते हैं ठीक है इस अभी हम मैं आपको यहाँ पर तीन किस्म के फोट्स यूज़ करना सिखाऊंगा दो जो कि हम प्रैक्टिकली आगे जो द स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर मैंने आपको आपको बताया था कि हम आ, एक लॉग इन बनाएंगे सो so, उस लॉग इन में दो किस्म के फ़ॉन्ट्स यूज़ होते हैं वो एंड एक मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए एक फॉन्ट ऐड करना सिखाऊंगा कि वो किस तरह से आपको ताकि डिफरेंस फील हो कि किस तरह से यूज़ होते हैं ठीक है नेक्स्ट थिंग अगर आप यहाँ पर देखें आप यहाँ पर डिफरेंट फ़ॉन्ट आपके पास आ रहे हैं देखें ये कुछ जापनीज फॉन्ट हैं दैन आपके पास लाटो दिस इज़ रियली गुड फोंट आपके पास ये रोबोटो है आप और और भी बहुत सारे फॉन्ट हैं जो आपको अच्छे लगते हैं आप यहाँ पर आके आपने क्या करना है सर्च करना है सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर पैसिफिक को जो कि अंजीला अंजीला जो हैं आपकी इंस्ट्रक्टर थी जिन्होंने पहला फ्लटर का कोर्स बनाया था उन्होंने ये फ़ॉन्ट यूज़ करके दिखाया था मैं इसको इसको इसलिए यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज़ ये खूबसूरत है एंड आपको आइडिया होगा कि आपका टेक्स्ट किस तरह से चेंज होता है ठीक है सो अब आप इसको यहाँ से क्लिक करें तो आपके पास यहाँ देखें आपके पास ऑप्शन आ जाता है डाउनलोड ओके okay, अब आप इसके ऊपर क्लिक करें डाउनलोड तो ये आपके पास डाउनलोड हो के यहाँ पर आप इसके ऊपर शो इन फाइंडर करें ठीक है तो यहाँ पर आपके पास ये इस फोल्डर में डाउनलोड हो गया है ठीक है देन आप इसको ओपन कर लें ओपन करने के बाद आपके पास देखें ये वाली फ़ाइल यहाँ पर क्रिएट हो गई है ओके अब ये फाइल आपके पास यहाँ पर देखें ऑलरेडी डाउनलोड हो चुकी है नेक्स्ट थिंग आपने क्या करनी है आपने अपने फोल्डर में जाना है एंड यहाँ पर आपकी ये जो रूट डायरेक्टरी है हैलो वर्ल्ड आपने इसको कॉपी इसके ऊपर आना है डबल क्लिक करें या राइट right क्लिक करें ओके एंड देन यहाँ पर आप आप यहाँ पर डायरेक्टरी क्रिएट करें ठीक है वेर इज डायरेक्टरी दिस वन या फोल्डर क्रिएट करें एंड आप इसको नेम दे दें फोंट्स का ठीक है फॉन्ट्स मेक श्योर ये नेम सेम हो इसी तरह हो ठीक है देन आप वापस जाएँ और जो फॉन्ड आपने यहाँ पर डाउनलोड किया था आप इसको यहाँ से ड्रैग करके अपने फॉन्ट्स वाले फोल्डर में ऐड कर दें और यहाँ पर इसको रिफैक्टर कर दें तो आपका ये फोनट आपके प्रोजेक्ट में ऐड हो गया है ठीक है अभी फुल ऐड नहीं हुआ मींस बस हमने यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट कर दी है नेक्स्ट थिंग आपने क्या करना है अब आपने इस फोंट्स को अपने पब्स डॉट यामिल फाइल में आना है ओके एंड यामिल फ़ाइल में आप अगर बॉटम पर आ जाएं तो यहाँ पर देखें आपके पास ये है फ़ोंट्स सी सो so ये है हमारे फॉन्ट्स ठीक है यहाँ पर ये देखें ये है फॉन्ट्स जस्ट लाइक अगर आपको याद हो तो यहाँ पर हमने इमेजेस एसेट्स को एसेट्स ऐड किए थे एंड एसेट्स में मैंने आपको इमेजेस ऐड करना सिखाया था एंड देन हमने इसको एक अनकॉमेंट किया था एंड देन मैंने आपको स्टेप बाई स्टेप बताया था कि किस तरह से आपने स्पेसिस स्पेसिंग का ख्याल रखना है ठीक है सिमिलरली अगर आप फॉन्ट्स के ऊपर आ जाए एंड यहाँ से आप इस तमाम यहाँ से इस फोन्ट्स को यूज़ करते हुए कमांड या कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश आप प्रेस करेंगे तो तो यहां पर देखें अब आपके पास ये स्पेसिंग गलत आ रही है ठीक है ये अनकॉमेंट हो गया है लेकिन अगर इसको मैं ऐड करना चाहूंगा तो यहां पर देखें आपके पास एरर आ रहा है ठीक है ये अब एरर क्यों आ रहा है क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि अगर आपके पास ये रूट है यहां पर बिल्कुल वन स्पेस तो देन आप कोई भी चीज अगर लिखेंगे तो आपके पास टू स्पेस का डिफरेंस आना चाहिए यहां देखें ठीक है वन टू सिमिलरली अगर आप एसेट्स में आ जाएं तो वन टू एंड देन आप सिमिलरली वही टू स्पेसिस का ब्रेक आता जा रहा है ठीक है सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखें अगर इस फॉन्ट्स को मैंने यूज़ करना है ठीक है सो मैं इसको वन स्पेस बैक लेके जाऊँगा एंड यहाँ पर अब मैं स्पेस काउंट करूँ तो यहाँ पर वन टू एंड सिमिलरली अब फैमिली जो है इसको भी मैं एक स्पेस बैक लेके जाऊंगा बिकॉज वन टू अब फॉन्ट्स इसका साइज़ क्या आना चाहिए वन टू एंड सिमिलरली अगर ये जो फॉन्ट्स है तो इसको भी मैं बैक स्पेस वन टू पीछे लेके जाऊंगा ठीक है सिमिलरली इसको भी मैं एसेट्स को भी यहाँ से बैक लेके जाऊंगा। अगर आपको इस आइडिया uh, की समझ नहीं आए तो लेट मी एक्सप्लेन अगेन सो वन टू ठीक है सो so, यहाँ पर आप इंटरनल एंड आप नीचे आ जाएं बॉटम पे। सो वन टू अगेन यहाँ से वन टू एंड आप फॉन्ट्स के नीचे आ जाएं वन टू ओके और अब आपने करना क्या है आपने जो फॉन्ट ऐड किया दैट इज़ स्पेसिफ़िक और रेगुलर सो अब आप, आप यहाँ पर आ जाएं पी ए सी आई एफ आई सी ओ आपके जो फॉन्ट का नेम है मेक श्योर इसमें मिस्टेक ना हो वरना ये गलत हो जाएगा एंड देन आपकी जो फॉन्ट की फैमिली है वो क्या है पैसिफिको ठीक है सो अब आप इसको नेम दे दें पैसिफिको एंड देन आप गेट ऊपर हिट करें क्लिक करें ठीक है तो यहाँ पर एग्जिट कोड आ जाएगा जीरो इट मीन्स कि आपका जो फॉन्ट है वो एड हो चुका है ठीक है ओके मेक श्योर कि आप जब इसको ऐड कर लें तो अपने प्रोजेक्ट को दोबारा से रन कर दें ठीक है एंड्रॉयड के ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम ये इशू आता है कि आप अपोंट्स ऐड कर देते हैं बट वो काम नहीं करते ठीक है जब वो काम नहीं करते तो आप लोग आप लोग ये सोचते हैं कि सर इसके, इसके इसमें एरर है या समथिंग लाइक दैट तो एरर नहीं होता वो समटाइम्स फोट्स सिस्टम फोनस को गेट नहीं कर पाता ओके सो आई होप आपको यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर होगा नाउ लेट्स बैक टू द कोड जहाँ पर हम कोड कर रहे थे ओके okay? अगेन अगर यहाँ पर आपको वार्निंग आ रही है गेट डिपेंडेंसीज करके आप इसको इग्नोर कर दें एंड देन आपके पास ये वार्निंग रिमूव हो जाएगी नाउ अगर आपको याद हो सो फॉर यहाँ पर हमने ऐप पॉर में ये वाला टेक्स्ट यूज कर रहे थे आसिफ ताज अब अगर मैं इसको इसका फॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पर अब आसिफ ताज कॉमा ओके okay? और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है स्टाइल ओके यहाँ पर देख रहे हैं ये स्टाइल और ये क्या एक्सेप्ट करती है टेक्स्ट स्टाइल ओके स्टाइल और क्या एक्सेप्ट करती है टेक्स्ट स्टाइल सो यहाँ पर अगर आप इसको टेक्स्ट स्टाइल प्रोवाइड करेंगे ठीक है सो टेक्स्ट स्टाइल अगर आप इसको प्रोवाइड करेंगे तो अब देखें यहाँ पर आपके पास से बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज आ रही हैं जो कि स्टेप बाई स्टेप मैं आपको करके दिखाऊंगा किस तरह से आ, किस तरह से यूज़ होंगी न यहाँ पर आप इसके पास अब आपके पास आ जाता है इसका फोंट्स का साइज फोंट्स साइज सो फॉर एग्जाम्पल आप इसको ट्वेल्व पिक्सल कर दें सेव करें ओके एंड यहाँ पर देखें आपका जो नेम है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो गया है एंड यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर फोर्टी पिक्सल कर दें अगेन सेव करें तो यहाँ पर आप देखें आपका जो नेम है वो काफ़ी बड़ा हो गया है ठीक है सो फोंट साइज किस लिए यूज़ होता है आपकी जो टेक्स्ट है इसको स्मॉल ये कैपिटल बड़ा या छोटा करने के लिए यूज होता है ठीक है सो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर हंड्रेड करेंगे तो अब आप आपके पास देखें ये और भी बड़ा हो चुका है ठीक है अब आपको नजर क्यों नहीं आ रहा अभी किस इसकी एप पार की जो स्पेस होती है ना मोस्टली ये फिफ्टी पिक्सल होती है ठीक है और आपकी जो फोन साइज है वो क्रॉस कर चुका है हंड्रेड को भी तो इस वजह से आपको नज़र नहीं आ रहा मैं फिफ्टी करता हूँ अगेन तो अब आप, आप देखें आपको पास आपके पास ये टेक्स्ट आपको नजर आ रहा है ठीक है अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में करना हो तो आपने क्या करना है अगेन आप इस पर डबल क्लिक करें रीफॉर्मेट कोड विद द डॉट जैसे ही आप इसको रीफॉर्मेट करेंगे तो यहाँ पर देखें आपके पास ये रीफॉर्मेट हो गया है स्पेस आपके पास प्रॉपर हो चुकी है देन आप कॉमा ऐड करें यहाँ पर एंड देन आप यहाँ पर इसकी जो फॉन्ट फैमिली है फॉन्ट फैमिली अब फैमिली का नेम क्या था ये था पैसिफिको ठीक है ये पैसिफिको तो आपने मेन डोर डार्ट पे आना है और स्ट्रिंग फॉर्म में सिंगल कोर्स में आपने इसको नेम प्रोवाइड करना है अपने प्रोजेक्ट को फिर से रन कर दें तो यू सी कि आपके जो फोन आपके जो टेक्स्ट है उसका फोन्ट जो है वो चेंज हो चुका है ठीक है सो मैं इसको वापस कर देता हूँ थर्टी पिक्सल और सेव करता हूँ तो यहाँ पर देखें आपका जो फॉन्ट है वो चेंज हो चुका है ठीक है सिमिलरली अगर आप चाहते हैं यहां पर इसके साथ और क्या हो सकता है इसकी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं सो फॉर एग्जाम्पल आप इसको इसका जो फॉन्ट वेट है ठीक है सो फॉन्ट 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 वेट ओके सो फॉन्ट वेट यहां से आप इसको देखें ये आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं ये आप कर सकते हैं फॉर एग्जांपल सेवन हंड्रेड करना चाहते हैं इसको सेव करें तो यहाँ पर देखें ये थोड़ा सा और डार्क हो गया है ठीक है अगर आप इसको डब्ल्यू वन हंड्रेड कर दें और इसको सेव करें तो यहाँ पर देखें ये अब थोड़ा सा इसकी जो डार्कनेस है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है ठीक so, है सो दिस इज़ हाउ आप फॉन्ट्स जो हैं आप इस तरह से इनको इंटीग्रेट कर सकते हैं सो लेट्स लेट्स कम इन टू दिस एंड यहाँ पर आप देखें ये रो जो है ये जो लास्ट टॉपिक्स में हमने आपको मैंने आपको समझाया था रो देखें इसमें आसिफ ताज है देन आई कैन एंड देन वी हैव दिस टेक्स्ट जिसका टेक्स्ट नेम है आसिफ ताज ठीक है सो नाउ अगर इस रो को मैं यहाँ से ख़त्म कर दूँ ओके okay? और इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इस रो को मैं कंप्लीटली ख़त्म कर देता हूँ और सेव और यहाँ पर मैं इसको सेव करता हूँ सो so, अब आप देखें यहाँ से सिर्फ आपके पास जो नेम है वो है आसिफ ताज ओके okay? अब अगेन आप चाहते हैं आप इसका स्टाइल करें आप इसको इसका फ़ॉन्ट चेंज करें इसका फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज करें आप इसके साथ और प्ले करें तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं स्टाइल में आ जाए ओके अगेन आपके पास यहाँ ऑप्शन आ जाता है टेक्स्ट स्टाइल ओके टेक्स्ट स्टाइल में आप इसको फॉन्ट साइज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें यह आपके पास ऑटोमेटिकली सजेशन भी आ रही है ठीक है सो फॉन्ट साइज यहाँ पर आप फिफ्टी पिक्सल कर दें एंड देन आप इसकी जो फॉन्ट फैमिली है फॉन्ट फैमिली यहाँ से देखें फॉन्ट फैमिली इसको अगेन आप यहाँ पर जो आपकी फॉन्ट फैमिली का नेम था ये वाला नेम आप इसको यहाँ पर सिंगल कोर्स में प्रोवाइड कर दें सेव करें और अब आप देखें आपके पास यहाँ पर इसका जो फॉन्ट है वो चेंज हो चुका है नेक्स्ट थिंग इसके आप इसका इस टेक्स्ट स्टाइल का कलर चेंज करना चाहते हैं ठीक है स्टाइल को नीचे ले आए इस ब्रैकेट को यहाँ से नीचे ले आएँ और अब आप चाहते हैं कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए तो यहाँ पर आपके पास एक प्रॉपर्टी है कलर ओके कलर्स में आपने यहाँ पर कलर्स ओके मटेरियल कलर्स के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन की थी फर्स्ट वीडियोस में सो आई होप आपको आइडिया होगा एंड देन आप यहाँ से कलर फॉर एग्जाम्पल आप टील यूज करना चाहते हैं ठीक है सेव करें यहाँ देखें कलर आपके पास चेंज हो गया है अब अब क्या होगा अगर मैं यहाँ से फॉन्ट को फॉन्ट फैमिली को हटा दूँ ओके अगेन सेव करूँ तो यहाँ देखें आपके पास जो ऑलरेडी बिल्ट इन फॉन्ट्स हैं वो यहाँ पर आपके पास आ चुके हैं ठीक है और यहाँ पर अगर आप इसको दोबारा ऐड कर दें और सेव करें तो यहाँ देखें आपके पास जो कलर है वो चेंज हो चुका है ठीक so है नेक्स्ट थिंग इज़ डेकोरेशन सो फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ये जो टेक्स्ट है अब आप टेक्स्ट को फॉर एग्ज़ाम्पल अंडरलाइन करना चाहते हैं ठीक है so सो यहाँ पर आप आ जाएँ डेकोरेशन ओके डेकोरेशन टेक्स्ट डेकोरेशन देखें ये डेकोरेशन एंड देन ये एक्सेप्ट करता है टेक्स्ट डेकोरेशन डॉट अब आपके पास देखें यहाँ पर डिफरेंट लाइन हैं आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं ओवरलाइन कर सकते हैं लाइन थ्रू कर सकते हैं सो फॉर एग्जाम्पल अंडरलाइन करते हैं और सेव करते हैं इसको मैंने अंडरलाइन किया तो देखें आपके पास ये अंडरलाइन हो चुका है अब मैं इसको क्या करता हूँ इसको साइड पर ले आता हूँ ओके okay. ताकि आपको क्लियर नज़र आ सके सो so, यहाँ पर हम वापस इसको नीचे ले आते हैं स्पेस स्टेप बाय स्टेप ओके अगेन आप क्या करें आप अपने कोड को ना यहाँ पर डबल क्लिक करें और रीफॉर्मेट कर दें डार्ट के साथ तो so, ये देखें आपके पास ये रीफॉर्मेट हो गया है और स्टेप और यहाँ पर आपके पास वैल वार्निंग्स आ, आ रही हैं तो यहाँ पर कौनस की वर्ड ऐड करते हैं बिकॉज़ ये तमाम वैल्यू स्टैटिक्स हैं देन आप यहाँ पर देखें अंडरलाइन और अगर आप चाहते हैं यहाँ से आप इसको लाइन थ्रू करें तो अब आप देखें आपके टेक्स्ट के सेंटर में से लाइन यहाँ से गुजर रही है देन आपके पास ओवर लाइन आप करना चाहते हैं आप सेव करें तो ये लाइन जो है वो टॉप पे यहाँ पे चली गई है ठीक है सो दिस इज़ हाउ यू कैन स्टाइल योर टेक्स्ट एंड दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ फॉन्ट्स ओके आई होप कि आपको फॉन्ट्स की जो है वो इजीली आप समझ आ चुकी होगी एंड फोंट्स किस तरह से काम करते हैं एंड आई होप कि आप लोगों का फॉन्ट्स जो है आप किसी भी किस्म का जो फॉन्ट है वो ईज़ीली यूटिलाइज कर सकते हैं सो आई थिंक इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स थे वो मैंने आपको क्लियरली इम्प्लीमेंट करवा दिए हैं सो नेक्स्ट वीडियो से सॉरी या नेक्स्ट अभी अभी हम क्या सीखेंगे अगर आपको याद हो तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि मैं आपको लॉग इन यू आई बनाना सिखाऊँगा बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स ठीक है बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर सो वो अगर मैं इसको वापस ले आऊँ तो ये बहुत ही सिंपल है अब आपको एग्जैक्टली exactly समझ भी आएगी कि ये एग्जैक्टली exactly हो क्या रहा है ठीक है सो so, वो आपको समझ तब आएगी जब मैं आपको ये प्रैक्टिकली स्टार्ट करूँगा बनाना इसको सिखाना बनाना मैं इसको सिखाऊंगा ठीक है ये देखें ये सिंपली आपके पास यहाँ पर डिफरेंट फॉर्ट्स ऐड हो रहे हैं र्यूबिक वो मैं आपको आगे जाके ऐड करवाना सिखाता हूँ ये टेक्स्ट है जो कि अंडरलाइन है अंडरलाइन मैंने आपको करना सिखा दिया ये कंटेनर है कंटेनर का एक सेंटर विजिट है ओके एंड यहाँ पर इसको ये टेक्स्ट प्रोवाइड किया गया है अगेन ये एक रो है रो के अंदर आपके पास दो विजिट्स हैं एक दो सॉरी uh, दो विजट्स हैं हाँ टेक्स्ट ओके देन आपके पास ये एक एक्सैक्टली exactly ये कॉलम है ओके एंड देन कॉलम में ये फर्स्ट रो अगेन दिस चाइल्ड 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 और ये फिर लास्ट में एक रो ठीक है सो ये बहुत ही सिंपल है अब मैं आपको इसको आपको मैं बताना सिखा करवाना सिखाता हूँ कि आपने किस तरह से इसको सीखना है ओके हेलो वेलकम अगेन सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था सॉरी लास्ट चैप्टर में मैंने आपको सिखाया था कि आप किस तरह से अपनी मोबाइल ऐप्लीकेशन में डिफरेंट फ़ॉन्ट्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं आप उनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं आप उनको किस तरह से इनिशलाइज कर सकते हैं एंड नाउ फाइनली एट द क्लोजिंग ऑफ दिस चैप्टर इस चैप्टर की क्लोजिंग होगी तो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा एंड देन उन कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए एक प्रैक्टिकल आपको मैं एक एप्लीकेशन बनाना सिखाऊंगा नाव यू कैन सी के मेरे पास यहाँ पर दो व्यू हैं वन एंड सेकेंड ठीक है second, अब ये दो ब्यूटीफुलू आई मैं आपको बनाना सिखाऊंगा जिनको आप एज़ अ पोर्टफोलियो अपना पोर्टफोलियो भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है नाव आप ये बहुत ही सिंपल है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है बट आपने मेरे से स्टेप बाई स्टेप फॉलो करना है ठीक है एंड मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हमने जो पहले कॉन्सेप्ट स्टडी uh, की हैं अब उनको हम प्रैक्टिकली किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं एक चीज़ आपके लिए न्यू होगी एंड वो ये कि ये जो विजिट हम एक नया विजिट सीखेंगे वो वो मैं आपको आगे जाके सिखाता हूँ ठीक है सो एनी वेज लेट्स गो एंड आपने करना क्या है आपने अपने सफारी ब्राउजर पर ओपन कर लेना है ठीक है सफारी ब्राउजर में आपको मैंने कॉमेंट में एक फर्स्ट कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको एक लिंक दिया हुआ है जो कि जिसको आप ओपन करेंगे गेटअप का लिंक है वो आपको इस प्रोजेक्ट की इस प्रोजेक्ट के ऊपर ले आएगा ठीक है एम बॉक्स लॉग इन यू आई नेक्स्ट थिंग आपने क्या करना है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है आपने इसको आपने इसको डाउनलोड कर लेना है ठीक है जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे देन आपने इसके फोल्डर में चले जाना है ओके सो अब आप देखें आपका ये प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है आपने अपना गेट हप ओपन करना है ओके सॉर आप सॉरी अपना एंड्रॉय स्टूडियो आईडीई ओपन करनी है आप इसको चाहे तो यहाँ से ड्रैग कर लें और चाहे तो यहाँ से आप इसको ओपन कर लें आप यहाँ ओपन के ऊपर क्लिक करें डाउनलोड्स फोल्डर में आप चले जाएँ देन आपके पास यहाँ पर आप यहाँ पर एम बॉक्स टाइप करें एम बॉक्स लॉग इन यू आई एंड आप इसको देखें यहाँ पर ये ट्रस्ट ओके मैं इसके ऊपर ट्रस्ट करता हूँ एंड देन आप इसको ट्रस्टेड प्रोजेक्ट में काउंट करके आप इसको ओपन कर लें ओके okay? जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे ओके okay, जैसे ही आप इसको यहाँ से ओपन करेंगे तो अब आपके पास यहाँ पर ये यह जो प्रोजेक्ट देखें आपके पास एम बॉक्स लॉग इन यू आई मेन ये आपके पास ओपन हो चुका है एंड देन अगर आप यहाँ पर देखें तो आपका ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर आपके पास डिफरेंट टाइप्स के एरर आ रहे हैं सो so उसके लिए आपने करना क्या है आपने अपने टर्मिनल में टर्मिनल ओपन कर लेना है ओके एंड देन आपने यहाँ पर फ्लटर आपने क्या करना है फ्लटर पब गेट आप इसके ऊपर हिट करेंगे फ्लटर पप गेट जैसे ही आपने फ्लटर पप गेट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके तमाम एरर्स चले जाएंगे और ये जो कमांड है फ्लटर पप गेट ये क्या करता है ये बेसिकली आपके पास यामिल फ़ाइल ये जो आपकी यामिल फ़ाइल है ओके okay? इस फाइल के अंदर जितनी भी चीज़ें हमने ऑलरेडी एड कर रखी होती हैं उनको वो गेट कर लेता है ठीक है सो फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को डाउनलोड करने का जो बेसिक आ, आ, जो बेसिक मकसद था एक आपको कि गेटअप से प्रोजेक्ट कैसे डाउनलोड करते हैं सेकंड इस प्रोजेक्ट में मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक इमेज ऐड कर रखी है ये देख सकते हैं यह आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी आप ठीक है सेकंड आप यहाँ पर देखें तो मैंने दो फ़ॉन्ट्स यूज़ कर रखे हैं र्यूबिक मीडियम एंड र्यूबिक रेगुलर ओके एंड ये दो फ़ॉन्ट्स मैंने ऑलरेडी अपनी पॉप फाइल में यहाँ पर देखें इमेज़ में अगर आप आ जाएँ ये मेरी इमेज़ेस हैं ठीक है तो इमेजेस में मैंने यहाँ पर एसेट्स में इमेजेस ऐड कर दी हैं अब मैंने आपको ये ऑलरेडी ऐड करवाना सिखा दिया है ठीक है अब अब इट इट मेक सेंस कि अगर एट दिस दिस स्टेप अगर इस स्टेप के ऊपर मैं आपको यहाँ पर दोबारा से ऐड करवाना सिखाऊं तो ऑब्वियसली फिर हम तो कोई फास्ट फॉरवर्ड नहीं हो रहा है हम कोई लर्निंग तो नहीं कर रहे ठीक है नाउ इट्स योर टास्क कि आप इसको ख़ुद ऐड कर लें और यार नहीं करते आप मेरे साथ इस प्रोजेक्ट को फॉलो करते हैं आपके पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर देखें इसको अंडरस्टैंड मैंने आपको लास्ट वीडियो में लास्ट चैप्टर में फोनस ऐड करवाना सिखाए थे सो so अब आपने सिमिलरली यहाँ पर देखें मैंने दो फोट्स ऐड कर दी हैं जो कि यहाँ पर ऑलरेडी पड़े हुए हैं ठीक है नेक्स्ट आपने क्या करना है आपने अपने प्रोजेक्ट को यहाँ से रन कर लेना है ठीक है जैसे ही अपने प्रोजेक्ट को आप रन करेंगे ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपका प्रोजेक्ट रन होगा तो आपके पास यहाँ पर आपका व्यू नज़र आ जाएगा ठीक है नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर व्यू एंड अब मैं आपको सिखाता हूँ कि किस तरह से हम अपनी प्रोजेक्ट को जो है वो इजीली बिल्ड करना सीखेंगे ठीक है so सो यहाँ पर देखें यह है मेरी मेन डॉट फाइल एंड यहाँ पर मेरे पास मेन डॉट फाइल अगेन क्या होता है यहाँ पर देखें ये मेन इसको मैंने यहाँ पर स्टेटलेस विजिट्स क्या होते हैं सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ सब कुछ सिखा चुका हूँ ठीक है अब आपने अपने पहले जो कॉन्सेप्ट्स को आपने सीखा है ना उनको यूटिलाइज़ करना है और यहाँ से मेन यह ऐप देखें आपकी मटीरियल ऐप से स्टार्ट हो रही है ओके मटीरियल ऐप से स्टार्ट हो रही है और आपके पास यहाँ पर इन साइड ऑफ दिस प्रोजेक्ट आ जाती है ठीक है दैन यहाँ पर ये यह स्काफ़ल्ड विजिट है और आपकी ऐप रन होगी है ठीक है और यहाँ पर आप देखें तो आपके पास ये स्काफ़ल्ड विजिट जो इसको मैं इस साइड पर ले जाता हूँ ताकि ये बार बार आपके पास इस तरह से ना हो ओके एंड अब इसको मैं यहाँ पर इसको इसे क्लोज कर लेता हूँ ठीक है क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं होगी एंड मैं इस व्यू को थोड़ा सा इस साइड पर ले आता हूँ सी अब आपके पास ये मटेरियल ऐप रन हुई स्काफल्ड विजिट आपके पास आया एंड इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो वाइट है अगर इसको मैं रेड करूँगा और सेव करूँगा तो ये देखें ये रेड हो गया ठीक है अब हम स्टार्ट करते हैं अब अगर आप अपने अपने डिज़ाइन के ऊपर आ जाए ठीक है तो यहाँ पर आप देखें इसका जो जो ये आपको फुल बॉडी है ना ये तो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका था ना पिछले कुछ वीडियोस में ठीक है तो ये बॉडी है और इसका कलर क्या है कलर्स डॉट वाइट ठीक है नेक्स्ट थिंग इस अब आपने क्या करना है स्केफल्ड सॉरी ये होम था स्कैफल्ड इसको हमने प्रोवाइड किया था अब स्कैफल्ड की बॉडी होती है आपको आइडिया होता है ठीक है बॉडी होती है ठीक है अब बॉडी को मैं क्या प्रोवाइड करूंगा कॉलम अब कॉलम विजिट्स क्या होते हैं ये तमाम मल्टी मल्टीलेआउट्स लेआउट विजिट्स होते हैं जो कि मल्टीपल चिल्ड्रन्स को एक्सेप्ट करते हैं ईच एंड एवरी थिंग मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ अब यहाँ पर मैं आपको सिर्फ उसका प्रैक्टिकल यूज दिखा रहा हूँ ठीक है सो so, कॉलम के चिल्ड्रंस होते हैं ठीक है अब इसको मैं सेव करूं तो इट डजेंट मेक एनी आप यहां पर देखें कॉलम के अंदर ये चिल्ड्रन्स ओके okay? और कोई भी यहां पर आपके पास डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ बट अब आपकी जो बॉडी है ना अब इसके अंदर ये कॉलम विजिट यहां पर ये ऐड हो चुका है अब कॉलम विजिट में क्या है? मैंने आपको बताया था वर्टिकली चीज़ों को आप बिल्ड करते हैं वर्टिकली इस तरह से ठीक है यूँ तो अब वर्टिकली चीज़ों में अगर आप मैं वापस आ जाऊँ तो वर्टिकली मेरे पास पहले तो ये आ रहा है देन आपके पास ये टेक्स्ट आ रहा है देन सेकंड टेक्स्ट आ रहा है सो so सबसे पहले तो मैं जाके अपना इस टेक्स्ट को यूज़ करता हूँ ये जो मेरा टेक्स्ट है लॉग ठीक है ये आप देख रहे हैं लॉग ठीक है सो so अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ मैं पहले इसको क्यों नहीं डिज़ाइन कर रहा इसकी एक रीज़न है वो आपको आगे जाकर मैं समझाता हूँ ठीक है सो सबसे पहले मैं यहाँ पर आ जाऊँगा टेक्स्ट विजिट लूँगा और टेक्स्ट विजिट में कौन सा टेक्स्ट है लॉग ठीक है सो यहाँ पर मैं इसको लॉग प्रोवाइड कर दूँगा और इसमें सेव करूँगा तो यहाँ पर देखें ये टॉप ऊपर चला गया है टॉप ऊपर ठीक है अब ये जो एरिया होता है ना ये वाला एरिया ये और आपका ये वाला एरिया मोबाइल का ये जो होता है ना ये यूज़र के लिए होता है ठीक है इसके अंदर आप कोई डिज़ाइन नहीं करते होते तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये जो बॉडी है वो इसके नीचे से स्टार्ट हो टॉप वाला एरिया कवर ना करे, टॉप बार को कवर ना करे, तो आपने क्या करना है होल्ड ऑप्शन या ओल्ड की एंटर ओके okay? एंड अगर आपसे ये नहीं हो रहा तो आप इस कॉलम के ऊपर आ जाएं यहाँ पर देखें ये बल्ब आपको नजर आ रहा है आपने यहाँ से इस विजिट को यूज़ करना है रैप विद विजिट ओके okay? एंड यहाँ पर आपने कौन सा विजिट यूज़ करना है सेफ़ एरिया इसको सेव कर दें और सेव करने के बाद देखें आपका ये विजिट जो है वो लॉग इन विजिट यहाँ पर आ चुका है नेक्स्ट थिंग अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो विजिट है ये कहाँ पर ये सेंटर में है ठीक है सो अब मैंने इस विजिट को सेंटर करना है तो मैं कैसे करूँगा इस विजिट को सो so, इसको मैं क्या करूँगा व्राप करूँगा विथ अगेन ऑल्ट इंटर या ऑप्शन होल्ड की एंड इंटर देन आप यहाँ पर सेंटर विजिट के साथ व्रैप करें तो ये देखें आपका ये जो लॉग है ये सेंटर हो चुका है ठीक है नेक्स्ट थिंग इसके अब हमने इसको स्टाइल करना है ठीक है अब हमने क्या करना है इसको स्टाइल करना है ठीक है so, सो अब यहाँ पर आप आ जाए स्टाइल लॉग कॉमा स्टाइल और यहाँ पर आपने इसको क्या प्रोवाइड करना है टैक्स स्टाइल ओके एंड यहाँ पर अब इसका font, इसका टेक्स्ट टेक्स्ट, स्टाइल ओके एंड यहाँ पर आप इसको क्या प्रोवाइड करेंगे फोंट साइज अब इसके जो फॉन्ट साइज होगा वो आपने इसको यहाँ पर साइन करना है एंड दैट इज़ गोइंग टू भी ट्वेंटी फोर सो so, इसका जो फॉन्ट साइज़ है देखें 24 पिक्सल है ठीक है सो so, अब आप इसको फॉन्ट साइज यहाँ पर 24 पिक्सल प्रोवाइड कर दें 24 पिक्सल तो ये देखें जो आपका जो टेक्स साइज़ है वो काफ़ी बड़ा हो गया है बट अब इसकी जो फॉन्ट फैमिली है ये लास्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ अब वो फ़ॉन्ट फैमिली अब आप देखें यहाँ पर वापस आ जाएँ ये आपके फॉन्ट्स हैं ठीक है ये फॉन्ट्स किस तरह से एड होते हैं मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ पब्स डॉट यामिल फाइल में आ जाएं तो यहाँ पर देखें ये है रूबिक मीडियम ओके okay, दो फ़ॉन्ट्स हमने ऐड कर रखे हैं फ़ॉन्ट्स में आपके पास र्यूबिक मीडियम और र्यूबिक रेगुलर तो ये आपके पास पहला आ गया र्यूबिक मीडियम और सेकंड आपके पास आ गया र्यूबिक रेगुलर ठीक है सो यहाँ पर अब हम देखें अगर इसके ऊपर मैं टैप करता हूँ क्लिक करता हूँ यहाँ देखें ये यह यूज़ हो रहा है र्यूबिक मीडियम सो यहाँ से मैं क्या करूँगा इसका नेम कॉपी करूँगा मेक श्योर sure ये सेम होना चाहिए इसको मैं वापस स्लाइड बैक कर देता हूँ अपनी मेन डॉट डार्ट फाइल के ऊपर आ जाता हूँ एंड यहाँ सिंगल कोट में मैं इसकी जो फैमिली है वो नेम मैं इसको यहाँ प्रोवाइड कर दूँगा सेव करूँगा तो यू कैन सी कि इसका जो शेप है वो चेंज हो चुकी है क्यों कि अब हमने इसको क्या कर दिया है फॉन्ट प्रोवाइड कर दिया है अब सेकंड चीज़ है कलर तो अब आपको पता है टेक्स्ट स्टाइल में एक प्रॉपर्टी होती है कलर और ये एक्सेप्ट करता है मटेरियल कलर्स डॉट फॉर एग्जांपल आप इसको रेड करना चाहते हैं सो कलर डॉट रेड और ये देखें ये रेड हो गया बट अगर अब आप आपके पास कुछ ऐसे कलर्स होते हैं जो कि आपको मटेरियल कलर नहीं प्रोवाइड कर रहा होता ठीक है सो आप उसके लिए यहाँ पर क्या कहते हैं देखें ये कलर का हमारे पास हर कलर का कोड होता है अब देखें ये कलर का कोड है ना ठीक है सो so, आप यहाँ पर आ जाएँ ठीक है और आप इसके ऊपर फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लें और यहाँ ये इसका कलर है ठीक है अब इस कलर के ऊपर आप देखें तो ये इसका कलर कोड है बेसिकली ठीक है अब इस कलर को आपने किस तरह से यूज़ करना है उसके लिए हमारे पास यहाँ पर होता है कलर ओके एंड आप इसको हेक्सा कोड्स में कन्वर्ट करते हैं ठीक है देखें ये एक इंटीजर वैल्यू को एक्सेप्ट करता है आप इसको ज़ीरो एक्स एफ़ एफ़ हेक्जा कोड में कन्वर्ट करते हैं और साथ अपना अपना जो आपका जो कलर कोड है वो ऐड कर देते हैं जीरो एक्स एफ़ एफ और साथ अपना कलर कोड ऐड कर देते हैं तो ये देखें आपके पास ये कलर कोड जो है वो चेंज हो चुका है साथ ही आपको वार्निंग आ रही है बिकॉज यहाँ पर आप देखें ये तमाम वैल्यू रन टाइम पर चेंज नहीं होती तो आप इसके साथ यहाँ पर कॉन्स्ट की वर्ड ऐड कर दें ठीक है सो यहाँ पर ना करें क्योंकि अब देखें ये कॉलम है ना और इसके ये आप देखें मल्टीपल चिल्ड्रंस होते हैं मैं इसको कॉपी कर लूँ नीचे पेस्ट कर दूँ देखें इसको मैं पेस्ट कर दूँ तो ये नीचे पेस्ट होता जा रहा है ना तो ये सारे मल्टीपल चिल्ड्रंस चेंज नहीं हो रहे तो राधा देन मैं एक एक के साथ ऐड करूँ यहाँ पर तो मैं क्या करूँगा मैं यहाँ पर कॉन्स्ट की ऐड कर दूंगा और सारी वार्निंग्स रिमूव हो जाएंगी और यहाँ पर मैं इसको रिमूव कर दूँगा दिस ठीक है अब आप देखें यहाँ पर आपने एक टेक्स्ट तो ऐड कर लिया अगर आप नीचे आ जाएं तो इसके साथ ये लॉरम ऐपसम का कुछ टेक्स्ट है ठीक है अब आप अगेन इसी ये जो आपका सेंटर विजिट है अब आप अगर चाहते हैं तो आप डबल क्लिक करें यहाँ पर और इसको फॉर्मेट कर दें डार्ट के साथ तो ये देखें ये आपके पास रीफॉर्मेट हो गया कोड अब ये आपका पूरा एक सेंटर विजिट है अब मैं इसको क्या करूँगा कॉपी करूँगा कॉपी करने के बाद मैं इसको नीचे पेस्ट करूँगा ओके एंड अगेन आप देखें तो यहाँ पर आपकी जो लॉग अगेन यहाँ पर आपको प्रिंट हुआ नजर आ रहा है बट अगर आप देखें तो यहाँ पर अब कलर जो है वो यहाँ पर जो टेक्स्ट है वो चेंज है ठीक है सो so मैं क्या करूँगा यहाँ से इसको कॉपी कर लूँगा आपके पास ये टेक्स्ट नहीं होगा तो आप अपनी मनपसंद का को कोई भी टेक्स्ट लिख दें यहाँ पर एंड आप उसको एंजॉय कर सकते हैं व्यू को एंजॉय कर सकते हैं ठीक है अब आप देखें तो अब आप आपके पास यहाँ पर ये यह आ चुका है आपका जो टेक्स्ट है ये आ चुका है और मज़े की बात ये है कि अगर मैं इसको यहाँ से मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कट करता हूँ तो अब आप देखें ये जो टेक्स्ट है ना ये अलाइनमेंट कहाँ पर जा रही है ये स्टार्ट पे जा रही है ठीक है सो so, अब मैं इस अलाइनमेंट को ये जो अलाइनमेंट हमारे पास स्टार्ट पे जा रही है ठीक है सो so, इस अलाइनमेंट को सेट करने के लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पर इसकी एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट अलाइन ये देखें टेक्स्ट अलाइन और ये एक्सेप्ट करता है टेक्स्ट लाइन ओके डॉट सेंटर तो सेंटर में ये देखें शिफ्ट हो गया है ठीक है अगर मैं इसको एंड करता हूँ तो ये देखें ये जो कलर है वो टेक्स्ट है वह एंड पे शिफ्ट हो गया है तो अब मैं इसको सेंटर ही रहने दूँगा ठीक है और यहाँ पर देखें ये जो फॉन्ट यूज़ हो रहा है ये मीडियम यूज़ हो रहा है एंड यहाँ पर अगर आप इसका फ़ोन्ट देखें तो फॉन्ट यहाँ पर इसका फॉन्ट कहाँ पर है ये देखें अब ये रेगुलर यूज़ हो रहा है ठीक है सो तो अब आपने करना क्या है अब दोबारा पर्सपेक्ट और यामिल फाइल में जाएं और यहाँ देखें आपके फ़ोन का नेम क्या है आपके फ़ोन्ट का नेम है र्यूबिक रेगुलर और यहाँ फैमिली का नेम क्या है र्यूबिक रेगुलर तो ये फॉन्ट अब आपने यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देना है इसके साथ और इसको सेव करें तो ये देखें अब आपके पास ये कलर जो है वो सॉरी ये जो फॉन्ट है वो चेंज हो चुका है नेक्स्ट थिंग आपके पास आ जाती है कलर की ओके okay? सो so अब आप इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर देखें ये जो कलर यूज़ हो रहा है अब इसका कोड क्या है फोर सी फाइफ नाइन एट ज़ीरो ठीक है मैं आपके साथ प्रोनाउंस कर रहा हूँ आप काइंडली लिख लीजिएगा ठीक है फोर सी फाइफ नाइन so एट ज़ीरो सो यहाँ पर क्या कलर यूज़ हो रहा था मैंने आपको कहा था कलर्स अगर आप अपने अपने कलर्स को आपने यूज़ करना है तो आप हेक्सा कोड यूज़ करेंगे हेक्सा कोड के लिए आपने क्या करना है जीरो एक्स एफ एफ आपने ऐसे ही लिखे रहने देना है एंड देन आपके साथ जो कलर कोड होता है वो आप इसके साथ यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं और यहाँ पर देखें आपकी इसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है ठीक है सो आई होप आपकी आपको इन दो टेक्स्ट की समझ आई होगी मैं आपको ना इसका कोड भी प्रोवाइड कर दूंगा अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो मैं आपको उसको कोड प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप कहीं पे एरर में स्टक हो तो आपको इजीली उस एरर से निकल आए देन आप देखें आप यहाँ पर यहाँ पर स्पेस है इन दो के बीच में ठीक है काफ़ी स्पेस है लेकिन हमारे इन हमारे इस टेक्स्ट के बीच में स्पेस नहीं है तो मैं क्या करूँगा मैं यहाँ पर साइज बॉक्सड और मैं इसको हाइट प्रोवाइड करूँगा कितनी 15 पिक्सल ठीक है अब मैंने उसको 15 पिक्सल हाइट प्रोवाइड की तो यहाँ पर देखें ये हाइट आपको यहाँ पर देखें इनके बीच में गैप आ गया और अदर चीज़ ये देखें ये जो टेक्स्ट का साइज़ है काफ़ी बड़ा है और हमारे जो टेक्स्ट का साइज़ है वो है सिक्सटीन और यहाँ पर हम क्या यूज़ करें ट्वेंटी फोर तो ये हो जाएगा आपके पास सिक्सटीन ठीक है अब यहां पर देखें ये सिक्सटीन हो गया लेकिन अब ये देखें ये ये जो टेक्स्ट है ये सेकंड लाइन में जा रहा है ठीक है डॉट ई एम ई टी के बाद सो so, मैंने यहां से इसको कॉपी कर लिया आप कोई भी कोई भी टेक्स्ट यहां पर लिख सकते हैं और उसको एज इट इज यहां पर आने दें अब अब यहां पर देखें तो ये डॉट सॉरी कॉमे के बाद यहां पर टेक्स्ट नीचे जा रहा है और सेंटर में अलाइन है ठीक है सो so, यहां पर अब आपने क्या करना है बैक स्लैश एंड आप यूज करेंगे तो ये आपके पास देखें नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया ठीक है सो अब आप देखें हमने दो चीज़ें जो है वो यू में डिज़ाइन कर ली हैं अब मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ से ना अगेन क्लोज कर देता हूँ ठीक है ताकि ये जो रश बना हुआ ना ये रश ना बने अब आप सेकंड चीज़ देखें और वो ये है अब ये एक एसिड इमेज है और साथ में उसके एक हमारा क्या यूज हो रहा है आ, दो बेसिकली हमारे पास टेक्स्ट यूज हो रहे हैं एसिड इमेज है और साथ में टेक्स्ट यूज हो रहे हैं सो so, ये एसिड इमेज किस तरह से ऐड होती है मैंने आपको ऐड करवाना सिखाई थी सेकेंड आपके पास ये इमेज में आ जाए इमेजेस लॉगो डॉट पी एन जी तो यहां पर देखें आपके पास ये इमेज ऑलरेडी है अब हमने इसके साथ प्ले करना है ठीक है सो अब इसके साथ किस तरह से खेलेंगे ये भी बहुत सिंपल है आप आ जाएं यहां पर टॉप पे ठीक है ये तमाम विजेट जो हमने पहले बिल्ड कर लिया हैं आप इनको ऐसे क्लोज कर दें और यहाँ पर आप यूज़ करें रो विजेट रो क्यों यूज़ करें क्योंकि ये फर्स्ट चाइल्ड है और ये सेकेंड चाइल्ड है फर्स्ट चाइल्ड सेकेंड चाइल्ड इसलिए रो विजेट यूज़ करेंगे ठीक है कॉलम में क्या होता है कॉलम में वर्टिकली चीज़ें बिल्ड कर रहे हैं ना कॉलम में देखें ये हमने वर्टिकली की ठीक है और रो में क्या होता है आप हॉरिजेंटली करते हैं ठीक है यूं अब हमने रो विजिट ले लिया अब रो विजिट में आपको यहां पर आपको कॉमा ऐड कर दें और रो विज में आपको याद हो तो मैंने कहा था ये भी मल्टी चिल्ड्रन्स होता है तो यहाँ पर चिल्ड्रन्स और आप बॉटम पर आ गए और साथ ही आपने यहाँ से कॉन्सट को रिमूव कर लिया ठीक है और यहाँ पर अब आपने इसके साथ सेपरेटली ऐड कर देना है क्योंकि अब जो वार्निंग्स हैं वो अलग अलग हो गई हैं तो आपने यहाँ से सबके साथ कॉन्स्टेंट अलग से ऐड कर देना है अब रो में आप आ जाएं तो सबसे पहले क्या है आपकी जो है वो एसिड इमेज है ये वाली ठीक है ये क्या है एसिड इमेज है ठीक है सो हम क्या करेंगे यहां पर हम इमेज विजिट यूज करेंगे इमेज विजिट ओके और इमेज विजिट की आपको पता है एक प्रॉपर्टी होती है इमेज जो कि डिफरेंट इमेजेस को एक्सेप्ट करती है तो हम यूज करेंगे एसिड इमेज और यहां से एसिड इमेज को अपनी इस इमेज का पाथ प्रोवाइड करेंगे ये देखें ये इमेजेस इमेजेस स्लैश लोगो लोगो डॉट पी और इसको मैं सेव करूंगा तो ये देखें जी काफ़ी बड़ी इमेज आ गई और हमारे पास यहाँ पर एरर भी आ चुका है सो so अब इसको सेट करने के लिए हमने क्या करना है सिंपली यहाँ इमेज की हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है विथ हाइट और विथ तो यहाँ पर हमने इसको क्या कर देना है 50 फिफ्टी फिफ्टी पिक्सल ठीक है अब फिफ्टी फिफ्टी पिक्सल ये हमने इसको किया तो ये देखें ये बिल्कुल यहाँ पर सेंटर पर आ गई है ठीक है और यहां पर अब सेंटर पर इमेज के बाद आने के बाद आपने क्या करना है अगेन यहां पर ये जो सेंटर विजिट आपने यूज किया था ठीक है ये पहला सेंटर विजिट आपने इसमें से ये जो टेक्स्ट विजिट है ना ये सिर्फ टेक्स्ट विजिट सेंटर विजिट नहीं सिर्फ ये टेक्स्ट विजिट ठीक है आप इसको यहां से कॉपी करके यहां पेस्ट कर दें ठीक है और इसको अगेन क्लिक कर लें क्लिक किया तो अब आप देखें रो में है ना तो इस तरह से अब अगेन मैं इसको यहां पे अगेन कॉपी करके पेस्ट करता हूँ मैं कॉपी कर रहा हूँ आप लोग प्लीज़ कॉपी ना कीजिएगा आप लोग इस टेक्स्ट विज़िट को ख़ुद लिखना सीखें खुद लिखना सीखें ताकि आपको इतना आइडिया हो जाए आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि देन इट विल बी अ चाइल्ड प्ले गेम फॉर यू ठीक है सो अब मैं यहाँ से इस टेक्स्ट को रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर ये कॉन्स कीवर्ड ऐड कर देता हूँ ताकि ये वार्निंग रिमूव हो जाए क्योंकि हम लोग हमारी कोई भी वैल्यू रन टाइम पर चेंज नहीं हो रही तो इसलिए ये कांस्टेंट हम ऐड करते हैं कांस्टेंट का मतलब क्या होता है वैल्यूज चेंज नहीं होती सेव कर दिया और ये देखें ये आपके पास लॉगिन जो है वो आपके पास आ गया है अब इशू ये है कि ये यहाँ पर देखें तो ये सेंटर में है और टॉप से थोड़ी सी स्पेस भी इसको प्रोवाइड की गई है सो so, मैं अब गें क्या करूँगा इस कॉलम में आ जाऊँगा कॉलम के बाद क्या है रो है तो रो से ऊपर मैं क्या करूँगा यहाँ पर साइज बॉक्स को यूज़ करूँगा साइज बॉक्स और यहाँ से मैं इसको प्रोवाइड करूंगा हाइट फिफ्टी पिक्सल ताकि ये नीचे आ जाए अब देखें ये नीचे आ गया है लेकिन सेंटर फिर भी नहीं हुआ ठीक है सो so सेंटर करने के लिए मैंने आपको रो विजिट में कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी अगर आपको याद हो तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा मेन एक्सेस को यूज़ करूँगा और मेन एक्सेस में मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट सेंटर और ये सेंटर पे देखें ये शिफ्ट हो गया है ठीक है और अगर आप चाहते हैं अब आप देखें तो इमेज और लॉगिन के बीच में ना थोड़ा सा देखें यहाँ पर गैप है ये देख रहे हैं इमेज और लॉगिन के बीच में यहाँ पर थोड़ा सा गैप है अब अगर आप ये गैप दिखाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे अगेन साइज बॉक्स यूज़ करेंगे बट दिस टाइम दिस टाइम हम हाइट नहीं प्रोवाइड करेंगे अब हम विथ प्रोवाइड करेंगे क्योंकि ये विथ होती है और ये हाइट होती है हमने विथ के बीच में एक विजिट यूज़ किया साइज बॉक्स so उसको हम फॉर एग्जाम्पल टेन पिक्सल की विथ दे देते हैं और यहाँ पर हम कॉमा ऐड कर देंगे और सेव कर देंगे अब आप देखें इनके बीच में जो है स्पेस तो आ गई है लेकिन स्टिल एक इशू है और वो ये कि जो सेकेंड अब यहाँ पर हमने फर्स्ट और यहाँ पर ये जो टेक्स्ट था ये है मैंटेनेंस ठीक है सो so, आप टेक्स्ट विजिट को ओपन करें और लॉग इन सो यहाँ से रिमूव कर दें और ये हो जाएगा मेंटेनेंस और अब आप इसको सेव कर दें अब आप इसको क्लोज कर दें ठीक है ताकि यहाँ पर जो व्यू है आपको नज़र आए ताकि ये खिचड़ी ना बन जाए ओके देन यहाँ पर अब आप, आप देखें तो आपका जो फर्स्ट विजिट हो गया वो सेंटर और यहाँ पर आप क्रॉस अलाइनमेंट जो है वो क्रॉस एक्सिस भी आप इसको कर दें क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर तो ये अब आपके पास सेंटर में दोनों चीज़ें सेंटर ही अलाइन हो गई हैं बट एक इशू आ रहा है और वो इशू ये आ रहा है कि रो विजट जो है ना रो विजट वो आपको वर्ड हॉरीजेंटली होरि, चीज़ों को बिल्ड करने देता है तो अब आप अगर रो के अंदर आप चाहते हैं क्या वर्टिकल स्पेस में यू आई बनाए वर्टिकल स्पेस में यू आई बनाएं तो फिर आपने क्या करना है अब देखें इमेज और ये स्पेस के बाद मैं चाहता हूँ क्या चाहता हूँ मैं मेंटेनेंस के नीचे एक टेक्स्ट और लिखूं और वो है बॉक्स ठीक है अब उस बॉक्स को लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे यहां पर कॉलम विजिट यूज़ करना पड़ेगा और कॉलम विजिट मुझे अलाउ करेगा कि अब आप वर्टिकली चीज़ों को बिल्ड करो तो मैं यहां पर क्या करूंगा कॉलम विजिट को यूज़ करूंगा ठीक है कॉलम विजिट के अंदर फिर आपको पता है हमारे पास होते हैं चिल्ड्रन्स ओके और चिल्ड्रन के बाद यहां पर ये जो मैंने टेक्स्ट यूज़ किया था ये वाला ये मैं इसको यहाँ पर ऐड कर दूँगा और अब आप देखें आपके पास ये एरर आ रहा है क्योंकि ये जो कॉन्सट की हम यूज़ कर रहे हैं ये कॉलम पर अप्लाई नहीं होता तो इसको अब आपने क्या करना है अलग अलग से यहाँ पर कॉन्स कॉन्सट की आपने ऐड कर देना है तो ये वार्निंग आपके पास रिमूव हो जाएंगे और इसको सेव करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है अब देखें इसको मैं अगेन इस टेक्स्ट को मैं ऐसे कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट करता जा रहा हूँ तो यहाँ पर देखें अब ये रो है ये रो का फर्स्ट चाइल्ड है और यहाँ पर देखें हम कॉलम यूज कर रहे हैं ठीक है तो अब कॉलम मुझे क्या करता जा रहा है मुझे अलाउ कर रहा है कि अब मैं वर्टिकली चीज़ों को बिल्ड करूँ ठीक है सो मैं इन तमाम को रिमूव कर देता हूँ और सिर्फ दो चाइल्ड्स को रहने देता हूँ ठीक है देखें ये आपकी रो ये रो रो के अंदर ये कॉलम और कॉलम के अंदर ये फर्स्ट और ये सेक्स्ट ये सेकंड टेक्स्ट ठीक है हॉरिजेंटल हॉजेंटल में फिर वर्टिकल और ये वर्टिकल ठीक है और आपका ये जो कॉलम है ना ये वर्टिकल स्पेस में आया है ठीक है वर्टिकल स्पेस में आया लेकिन रो के अंदर यूज हो रहा है तो हॉरिजेंटल ही काउंट किया जाएगा ठीक है अब ये बहुत ज्यादा कन्फ्यूज कंफ्यूजिंग हो गया लेकिन आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी सो अब मैं क्या करता हूं अब मैं यहां से ये जो लॉग है ना तो यहां पर मैं इसको कर देता हूं बॉक्स बॉक्स तो ये देखें ये हो गया बॉक्स सेंटर में क्यों सेंटर में हुआ है बिकॉज हम यहाँ पर सेंटर यूज़ कर रहे हैं ये देखें ये सो अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो ये देखें ये स्टार्ट में चला गया है लेकिन इसको मैं सेंटर ही रहने देता हूँ लेकिन अब इशू ये आ रहा है कि ये जो सेटिंग्स है ना ये रो के ऊपर अप्लाई हो रही हैं लेकिन अब आपके पास ये जो आपके पास दो टेक्स्ट हैं ये कॉलम के अंदर हैं ठीक है ठेके? और कॉलम की जो बेसिक जो स्टार्ट होता है वो हमेशा सेंटर से होता है तो मैं यहाँ से इसको क्रॉस एक्सेस क्रॉस यहाँ से मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ तो ये देखें स्टार्ट पे आ गया ये बेसिकली ये जो ये जो कॉलम है ना कॉलम में मैंने क्रॉस एक्सेस ये सेटिंग्स मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाई थी सो so ये देखें ये आपके पास यहाँ पर स्टार्ट में आ गया है और इसका जो कलर है वो क्या है इसका कलर कोड हम देख लेते हैं इसका कलर कोड क्या है एफ़ नाइन सेवन एफ़ नाइन सेवन जीरो थ्री बी तो अब आपने इसका कलर चेंज करना है तो अब आप आ जाएंगे यहाँ पर और इसको रिप्लेस कर देंगे तो ये देखें आपके पास बॉक्स बन गया है ठीक है अब ये आपके पास बन गया तो आपकी ये जो पूरी रो विजेट है इसका काम ख़त्म हो गया और अब आप देखें तो आपके लॉग और इसके बीच में स्पेस है यहाँ पर ठीक है लॉग और इस विजिट के रो और आपकी जो सेंटर विजिट है इसके बीच में स्पेस है तो हम यहाँ पर कॉपी करेंगे साइज बॉक्स प्लेस कर दिया और यहां पर हम इसको स्पेस प्रोवाइड कर देंगे फॉर एग्जाम्पल फोर्टी पिक्सल की ठीक है so, सो अब देखें कुछ यू आई जो है ये हमारी बनना शुरू होगी सो डोंट वरी अबाउट दिस मैं आपको सोर्स कोड प्रोवाइड कर दूंगा सो दिस सोर्स कोड विल गोइंग टू हेल्प यू और आपकी जो जितनी भी uh, उलझन है परेशानी है वो दूर हो जाएगी ठीक है अब नेक्स्ट चीज़ जो है ना वो मैं आपको आके बटन बनाना सिखाता हूँ पहले हम इस बटन के ऊपर बात करेंगे ये जो बटन डिज़ाइन करते हैं ठीक है पहले मैं आपको ये बनाना सिखाऊंगा और फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे ठीक है सो बटन बहुत ही ज़्यादा इजी है अगर आपको याद हो तो हमने कंटेनर विजिट यूज़ किया था कंटेनर ठीक है कंटेनर की सबसे पहले तो हाइट होती है ठीक है सो so, हाइट इसको मैं फिफ्टी पिक्सल प्रोवाइड कर दूंगा देन आपको पता है कि चाइल्ड होता है कंटेनर का ठीक है अब उस उसको मैं क्या करता हूँ उसको मैं ये जो मेरा ये जो लास्ट सेंटर विजिट है नहीं ये नहीं काफ़ी बड़ा हो जाएगा सो so, मैं वापस आ जाता हूँ अपने इस रो विजिट में इस वाले रो विजिट में ठीक है और रो विजिट में ये जो कॉलम के अंदर ये जो मेरा बॉक्स है इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ओके एंड यहाँ पर मैं इसको चाइल्ड में प्रोवाइड कर देता हूँ ओके okay? और सेव करता हूँ तो यहाँ पर देखें ये बॉक्स मेरे पास आ चुका है ठीक है अब इसकी जो विथ है ना वो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कर देता हूँ थ्री हंड्रेड पिक्सल ठीक है अब 300 पिक्सल और इसकी जो कलर है ना फॉर एग्जांपल तो कलर मैं इसको ये वाला जो टेक्स्ट वाला कलर है ना ये प्रोवाइड करूंगा और यहाँ पर ये जो ये जो टेक्स्ट कलर है ना सो तो ये ये वाला जो कलर है जो टेक्स्ट का कलर मैंने कॉपी करके पेस्ट किया था इसका जो इसका जो कंटेनर का कलर होगा ना वो मैं इसको यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा ये वाला ठीक है अब देखें बॉक्स में और आपके टेक्स्ट कलर में कोई डिफरेंस नहीं रहा तो अब हम क्या करेंगे ये जो टेक्स्ट का कलर है ना सो so इसको मैं कलर्स डॉट वाइट कर दूंगा ठीक है और यहाँ पर इसका जो नेम होगा वो होगा लॉग और ये क्योंकि रूबिक मीडियम यूज़ हो रहा है तो यहाँ पर फॉन्ट फैमिली हम चेंज करके रेगुलर कर देंगे ठीक है और ये यह देखें आपके पास चेंज हो गया और जो फॉन्ट का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है तो हम यहाँ पर इसको 18 पिक्सल कर देंगे नाउ इट लुक्स गुड बट आपको अब यहाँ पर देखें तो अगेन एक इशू आ रहा है वो ये कि आपका ये जो सेंटर ये जो लॉग का विजिट है ना ये लॉग ये जो टेक्स्ट विजिट है ये सेंटर में नहीं है तो अब आपने इसको सेंटर या लाइन करना है तो क्या करेंगे आपने इसको इस विजिट को व्राप कर देना है कौन से विजिट के साथ सेंटर विजिट के साथ और ये हो गया आपका सेंटर में ठीक है नेक्स्ट थिंग अब आप देखें तो ये इसके जो ये जो कॉर्नर हैं ये राउंडेड है ठीक है देख रहे हैं इसके जो कॉर्नर है वो क्या है राउंडेड है ठीक है सो so, अब हमने इसको फिक्स करना है तो कैसे करेंगे इसकी कंटेनर की प्रॉपर्टी होती है डेकोरेशन डेकोरेशन और ये क्या एक्सेप्ट करता है डेकोरेशन को ठीक है सो so, अब आप इसको प्रोवाइड करेंगे डेकोरेशन ओके डेकोरेशन में आपने इनसाइड आ जाना है सॉरी ये एक्सेप्ट करता है इनपुट

सो या इट इट इज एक्सेप्टिंग बॉक्स डेकोरेशन दिस वन ये जो बॉक्स डेकोरेशन है ठीक है फिर इस बॉक्स डेकोरेशन में आपके पास इसकी एक प्रॉपर्टी है रेडियस ठीक है बॉर्डर रेडियस ये देख रहे हैं बॉर्डर रेडियस ठीक है अब ये जो बॉर्डर रेडियस है ना बी ओ आर बॉर्डर रेडियस ओके डॉट सर्कुलर और आप इसको फॉर एग्जांपल टेन पिक्सल दे दें और साथ में आपके पास एरर आ जाएगा वो कह रहा है कलर इज इक्वल टू नल एंड डेकोरेट जब भी आप कंटेनर के साथ डेकोरेशन यूज़ करेंगे तो आपका जो ये जो कलर है ये मेक श्योर कि आप इस कलर को डेकोरेशन के इनसाइड यूज करें ठीक है और अगेन इसको सेव करें तो अब आप आपका देखें जी बटन बन गया ठीक है ये आपका बटन बन गया कि नहीं बन गया इतना सिंपली इजीली हमने ये बटन बना लिए ठीक है अगेन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आई नो आपको समझ नहीं आई होगी और यहाँ पर अब आप आपने कॉन्स्ट की भी ऐड कर देना है ताकि ये वार्निंग्स जो हैं ये रिमूव हो जाए देखें ये कंटेनर विजिट मैं इसको सब कुछ ना यहाँ से ये डेकोरेशन को मैं रिमूव कर देता हूँ और अगेन एक्सप्लेन करता हूँ अगेन एक्सप्लेन करूंगा तो कलर वाइट और बैकग्राउंड वाइट सो लेट्स जस्ट कीप इट हेरा और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये देखें ये कंटेनर है इसको हमने हाइट और विथ प्रोवाइड की डेकोरेशन पे मैं बाद में आता हूँ फिर इसको हमने क्या किया इसको चाइल्ड प्रोवाइड किया सेंटर विजिट और सेंटर विजिट में हमने इसको चाइल्ड प्रोवाइड किया फिर टेक्स्ट और टेक्स्ट इसका क्या है लॉगिन तो ये एक फुल कंटेनर है इसका एक चाइल्ड है सेंटर सेंटर तो का फिर इट एक चाइल्ड है टेक्स्ट ठीक है तो ये सेंटर में आ गया ओके okay. नेक्स्ट अब क्या हुआ कि इसकी डेकोरेशन तो डेकोरेशन जो है ना इसकी एक्सेप्ट करता है बॉक्स डेकोरेशन को बॉक्स डेकोरेशन में आप इसको प्रोवाइड करते हैं कलर कि ये जो डब्बा बना है ये जो बॉक्स बना है इसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा इसका कलर क्या होगा तो वो कलर कोड हमने इसको यहाँ प्रोवाइड कर दिया और फिर हमने इसका बताया इसका ये जो डब्बा है इसका जो फॉर एग्जांपल अब मैं इसको बॉर्डर रेडियस को रिमूव करता हूँ तो ये देखें ये एक रेक्ट रेक्टेंगल की शेप में ठीक है थीके? सो अब आप चाहते हैं कि ये इसके जो कॉर्नर हैं ये थोड़े सर्कुलर हो जाएँ तो आपने इसको सेव करना है बॉर्डर रेसियर बॉर्डर रेडियस ऑर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर प्रोवाइड किया तो साथ ही आपके पास ये ख़त्म हो गया ठीक है अब ये चीज़ें तो हो गई जी वेल इन गोल्ड अब हम क्या करते हैं अब हम आ जाते हैं इस टेक्स्ट के ऊपर और इसको डिज़ाइन करते हैं ठीक है अब आप देखें तो अभी तक इस कॉलम के अंदर हम सारी ये जो कंटेनर तक और ये सारे विजिट्स जो हैं ये इस हम कॉलम में बिल्ड करते हुए आ रहे हैं बट अब देखें अब आपके पास दो टेक्स्ट हैं टेक्स्ट तो बेसिकली यही किया लेकिन दो डिफरेंट कलर्स हैं तो आपको दो डिफरेंट टेक्स्ट यूज करने पड़ेंगे ठीक है टेक्स्ट एक एक और विजिट होता है हमारे पास टेक्स्ट का लेकिन उसको हम नहीं यूज करेंगे ठीक है वो थोड़ा सा एडवांस तो नहीं है लेकिन वो इस स्कोप में नहीं आता फिलहाल आप यहीं पर मुझे फॉलो करें नाउ अब आप क्या करेंगे क्योंकि दो, दो टेक्स्ट हैं तो रो विजिट को यूज करेंगे ओके अब आपने क्या करना है रो रो विजिट में चिल्ड्रन्स और चिल्ड्रन में अब आपने क्या करना है ये जो आप दो टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं पहला ये रो है देन आपके पास ये ये आपके पास है जी लॉगिन वाला देखें लॉग इन वाले को रहने दें देन आपके पास है ये वाला टेक्स्ट लॉरम एपसम कॉलर और ये वाला ठीक है आप इसको यहाँ से सेंटर से कॉपी कर लें ओके okay? कॉपी कर लें और यहाँ इस रो विजिट के अंदर पेस्ट कर दें और फिर आप इसको कॉपी करके यहाँ पर रो विजिट के अंदर पेस्ट कर दें और आप इसका ये जो टेक्स्ट है ना अब आप इसको रिमूव कर दें और यहाँ पर देखें आपके पास है डोंट हैव एन अकाउंट ठीक है सो डोंट हैव एन अकाउंट सेव करें तो यहाँ देखें डोंट हैव एन अकाउंट आ गया आपके पास और फिर अब अगर आप देखें तो आपके पास है साइन अप तो यहाँ पर अब आपने क्या करना है इसको साइन एस आई जी एन साइनअप ओके साइनअप इसको सेव करें और यहाँ पर देखें ये है रूबिक रेगुलर ठीक है और यहाँ पर अगर आप इसका टेक्स्ट देखें इस विजट का तो ये मीडियम है और इस टेक्स्ट इस टेक्स्ट को देखें तो ये आपके पास रूबिक रेगुलर है तो यहाँ पर आपने क्या करना है रूबिक ये जो अप वाला टेक्स्ट है ये वाला आपने इसको मीडियम कर देना है और ये पहला वाला तो रेगुलर है और इसका जो कलर है वो है आपके पास कौन सा कलर है ये वाला कलर है ठीक है और इसका कलर कोड क्या है एफ नाइन सेवन जीरो थ्री बी तो इसका कलर कोड आपने ज़ीरो एक्स एफ एफ और यहाँ पर ये कलर कोड आपने इसको प्रोवाइड कर देना है सेम जिस तरह से आपके बटन का कलर था और यहाँ पर देखें आपके पास अगेन बहुत सारी वार्निंग आ रही है तो आपने इसको कॉन्स्ट कर देना है ठीक है और इस सेंटर विजिट की अब आपको ज़रूरत नहीं है तो आप अगेन ऑल्ट या कमा या ऑप्शन और इंटर आप करेंगे या इस बल्ब के ऊपर क्लिक करें तो आपके पास आ जाएगा रिमूव दिस विजिट का ऑप्शन इसको रिमूव कर दें अगेन सेंटर इसको रिमूव कर दें और ये आपके पास रिमूव हो गए और इसके साथ ही हमने एक चीज़ ओके 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 एक चीज़ हमने गलत की थी वो ये कि आप इसके ऊपर जब होल्ड करते हैं ऑप्शन या ऑल्ट की तो यहाँ से मूव विजिट अपनी रिमूव विजिट आप रिमूव विजिट करना है ठीक है ये हमने रिमूव कर दिया रिमूव करने के बाद आप देखें तो आपका ये जो बटन है और ये जो आपने नीचे नया टेक्स्ट बनाया है इसके बीच में स्पेस है तो आप यहाँ से कर लें जी साइज बॉक्स ठीक है साइज बॉक्स यहाँ से हाइड कर दें आप इसकी ट्वेंटी पिक्सल और अब आपकी जो हाइट है ऊपर से आ गई ट्वेंटी पिक्सल सो तो ये थोड़ी सी ज़्यादा है इसको कर लें फिफ्टीन ओके एंड ये अब आप देखें इसके नीचे आ चुका है लेकिन एक चीज़ है अभी ये सेंटर नहीं हुआ तो रो के अंदर चीज़ें सेंटर करने के लिए कौन सी कौन सी प्रॉपर्टी होती है रो की हमारे पास मेन एक्सेस मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट सेंटर ठीक है सो देखें ये मेन एक्सेस है ये आपका मेन एक्सेस है ये क्रॉस एक्सेस होता है तो मेन एक्सेस में आपने इसको कहा सेंटर हो जाओ तो ये सेंटर हो गया ठीक है अब यहां तक आई होप कि आपको चीजों की बिल्कुल समझ आ चुकी होगी और हमारी यूआई की तकरीबन 80 परसेंट चीजें कंप्लीट हो गई हैं ठीक है थीके? एटी परसेंट चीजें जो है वो कंप्लीट हो गई हैं नेक्स्ट क्या करना है नेक्स्ट ये करना है कि अब हमने इस इस टेक्स्ट फील्ड को हमने यूज करना है अब टेक्स्ट फील्ड को हमने क्या करना है यूज करना है और किस तरह से करेंगे किस तरह से ये काम करता है इसका एक पार्ट मैं करवाऊंगा ये वाला सेकंड आपने आपके लिए टास्क है आपने अपना ब्रेन यूज करना है ठीक है और उसको इम्प्लीमेंट करना है फिर आपने क्या करना है आपने अब ये देखे मैंने आपको लास्ट वीडियो में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको अंडरलाइन करवाना सिखाया था किसी भी एक टेक्स्ट विजिट को और लास्ट वीडियो में तो नहीं इस ही चैप्टर में मैंने आपको टेक्स्ट को अंडरलाइन करवाना सिखाया था सो आई होप कि आप ये भी कर लेंगे सो लेट्स गो बल्कि अब मैं मे भी मैं आपको करवा ही दूँ अब आपका ये कंटेनर जो विजिट है ये लॉग वाला यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर रखा है आप इसके टॉप पे आ जाएं और यहाँ पर देखें तो आपके इस टेक्स्ट विजिट में और जो नया टेक्स्ट विजिट आएगा या जो इस टेक्स्ट विजिट में और जो नया विजिट आएगा उसके बीच में स्पेस है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर अगेन साइज बॉक्स यूज़ कर लेंगे और इसको हाइट दे देंगे टॉप से फ़ॉर एग्ज़ाम्पल इसको हाइट कितनी देनी चाहिए सो फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको दे देते हैं ट्वेंटी पिक्सल वुड बी इनफ सो so हम इसको ट्वेंटी पिक्सल दे देते हैं सो so ये टॉप से नीचे आ गया ओके okay, अगर आप देखें तो आपके 20 पिक्सल हमने इसको दे दिया अब हम क्या करेंगे हमारे पास एक और विजिट होता है और ये बहुत ज़्यादा यूज़ विजिट होता है दैट इज़ दिस वन ये बहुत ही वाइडली यूज़ विजिट हाँ वाइडली यूज विजिट है ठीक है और इसको हम यूज़ करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली सो यहाँ पर आपने क्या करना है टेक्स्ट फॉर्म फील्ड ठीक है और आप इसको सेव करेंगे यहाँ पे कॉलम ऐड कर देंगे और यहाँ पर आप सेव करेंगे तो ये देखें आपके पास एक विजिट आ गया है ठीक है अगेन अब देखें ये आपका जो बटन है ना ये टॉप के साथ अलाइन हो रहा है तो आप क्या करेंगे साइज बॉक्सड ओके और यहाँ पर इसको हाइट दे दें हंड्रेड पिक्सल और यहाँ पर इसके साथ कॉन्स्ट की भी ऐड कर दें ताकि आपको ये एरर ना आए अगेन ये स्टैटिक स्टैटिक जो हाइट्स होती हैं ये हम पास नहीं करते होते अपनी वेबसाइट्स के अंदर स्टैटिक हाइट्स जो होती हैं ठीक है उसके लिए फिर आगे मैं आपको बताऊंगा लेकिन फॉर द टाइम बिंग आपने मेरे साथ इसको प्रैक्टिस करना है अगर आप इस इस प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे आप एक अच्छे डेवलपर नहीं बन सकेंगे ठीक है सो so, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ जो आपके पास लोहा होता है वो अपनी पहले रॉ फॉर्म में होता है आप उससे आप उसे किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं ठीक है सो so, आप उसको क्या करते हैं आप उसको एक्सट्रीम हीट के ऊपर आप उसको पिघलाते हैं आप उसको हीटअप करते हैं फिर वो पिघल जाता है फिर आप उसको किसी भी शेप में आप कन्वर्ट कर लेते हैं बट एट द सेम टाइम राइट नाउ आई एम डूइंग सेम विद यू अगर आप लोग यहाँ पर मेरे साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे यू गाइज विल स्टक यू वेल यू गाइज विल एंड अप एंड यहाँ पर आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे ठीक है सो टेक्स्ट फील्ड एंड अब इस टेक्स्ट फील्ड विजिट में आप अंदर आ जाए तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी होती है डेकोरेशन ओके एंड डेकोरेशन में ये एक्सपेक्ट करता है इनपुट डेकोरेशन दिस वन ओके एंड इनपुट डेकोरेशन में आप ब्रैकेट यूज करने के बाद आप अंदर आ जाए इसके और यहां पर इसकी एक प्रॉपर्टी होती है हिंट टेक्स्ट और आप इसको यहां पे फॉर एग्जाम्पल कर दें ईमेल तो ये देखें जी अब आपके पास टेक्स्ट हो गया एड ठीक है क्या हो गया टेक्स्ट हो गया आपके पास एड ओके okay? ईमेल में ठीक है अब यहां पर अगेन इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है उसको हम कहते हैं जी प्री आइकन प्रीफिक्स आइकन ठीक है ये देखें ये है प्रीफिक्स आइकन जो कि एक्सपेक्ट करती है विजिट नो सॉरी दिस प्रीफिक्स आइकन जो कि एक्सपेक्ट करती है विजिट सो विजिट आप उसको किसी भी किस्म का विजिट प्रोवाइड कर सकते हैं इमेज भी इमेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं आइकन भी टेक्स्ट भी एनी सो प्रीफिक्स आइकन और यहाँ पर आपको पता है हमारे पास आइकन्स होती हैं ठीक है मटीरियल आइकन्स एंड उन आइकन्स में से हम यहाँ पर आइकन्स डॉट ई मेल ओके ई मेल एंड यहाँ पर देखें आपके पास अल्टरनेट ई मेल आ जाएगा और अब आपने इसको यहाँ पर क्या करना है आपके पास देखें ई मेल आ चुका है एंड अब आप इस आइकन का यहाँ पर कलर भी चेंज कर सकते हैं सो अगेन कलर कलर जीरो एक्स एफ एफ और यहाँ पर आपकी आइकन का कलर क्या है यहाँ पर देखें आपके आइकन का कलर है थ्री टू थ्री एफ फोर बी वो आप इसको यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे तो आपकी आइकन का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा ठीक है so, सो आपकी आइकन का कलर क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा ओके नेक्स्ट थिंग नेक्स्ट थिंग यहां पर आप कौस्ट की वर्ड एड कर नेक्स्ट थिंग अगर आप देखें तो ये जो है ये सर्कुलर फॉर्म में है ठीक है सर्कुलर फॉर्म में तो और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो अब आपके पास देखें तो बैकग्राउंड का जो कलर है वो आपके पास है ये वाला एफ एट एफ नाइन एफ एप चाहते हैं कि आपकी ये जो टेक्स्ट फील विजिट है ठीक है इसका जो इसका जो फिल कलर है इसको हम कहते हैं फिल कलर तो आप इसके अंदर कलर को फिल करना चाहते हैं तो आप इसको कलर प्रोवाइड करेंगे ज़ीरो एक्स एफ एफ यहाँ पर आप देखें आपका ये अब कलर जो है ये चेंज हो गया है लेकिन आपको नज़र क्यों नहीं आ रहा वो मैं आपको आगे जा एक्सप्लेन करता हूँ क्यों नहीं, नहीं नज़र आ रहा क्योंकि इसका जो बॉर्डर है ना वो अभी तक नहीं है तो आपका जो कलर है वो मिक्सअप हो रहा है बैकग्राउंड के साथ ठीक है नेक्स्ट थिंग आपने क्या करनी है नेक्स्ट थिंग आपने ये करना है कि अगर आप यहाँ पर आ जाए और इसका जो फोकस बोर्ड इसका एक होता है बॉर्डर ठीक है फोकस बॉर्डर और यहाँ पर आप इसको बताएं आउट लाइन इनपुट बॉर्डर ओके आउट लाइन इनपुट बॉर्डर और यहाँ पर आप इसको बताएं बॉर्डर साइड ओके बॉर्डर साइड और यहाँ पर आप इसको दें कलर और यहाँ पर ये यह एक्सेप्ट करता है कलर्स को और बॉर्डर का कलर अब आप देखें यहाँ पर ओके okay, तो ये देखें ये रहा आपके पास बॉर्डर का कलर और यहाँ से E4 E7 सेवन ई वो आपने इसको हेक्सा कोड के साथ यहाँ पर प्रोवाइड कर देना है और सेव करेंगे तो ये देखें आपके पास आ गया जी बॉर्डर का कलर ओके okay? और फिल कलर आपको यहाँ पर देखें यह है फिल कलर और यहाँ पर आपने फील्ड को क्या करना है आपने यहाँ पर ट्रू कर देना है ठीक है सो अब आप देखें आपके पास बैकग्राउंड फिल कलर जो है वो आपके पास यहाँ पर आ चुका है ठीक है मैं अगेन एक्सप्लेन करता हूँ आई नो कि आप लोगों को समझ नहीं आए और आनी भी नहीं चाहिए बिकॉज ये थोड़ा सा एडवांस हो गया लेकिन इस तरह से ही अगर आप सीखेंगे थोड़ा मैं सिखाऊंगा थोड़ा आप सीखेंगे तो आप इस तरह से स्टेप स्टेप आगे चलेंगे अभी तक तो खैर इनपुट देखें ये टेक्स्ट फील्ड है ठीक है अब टेक्स्ट फील्ड में आपके पास है ये हिंट वो हिंट आपने यहाँ पर डिस्प्ले करवा दिया देन आपके पास है ये फिल कलर ठीक है सो जो फिल कलर ये है कि आपके ये जो टेक्स्ट और उसके बैकग्राउंड में जो भी कलर होगा ना आप यहाँ पर कुछ टाइप करेंगे तो वो फिल कलर आपको यहाँ पर नज़र आएगा फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं इसको कलर्स डॉट रेड कर देता हूँ सेव करता हूँ तो देखें अब आपके पास रेड कलर आ रहा है ठीक है और यहाँ पर अगर आप इसको ग्रीन करना चाहते हैं तो आपके पास ग्रे आ जाएगा ठीक है सो हम अपना कस्टम कलर यूज़ कर रहे थे तो कस्टम कलर यहाँ पर आ गया सेव कर दिया नेक्स्ट थिंग अगर हमने देखनी है तो ये जो फील्ड है ना अब ये कलर तो हमने ऐड कर दिया लेकिन अगर ये फील्ड यहाँ पर एक पैरामीटर है इसको हम ट्रू नहीं करते मतलब कि यस एक होता है ट्रू और एक होता है फॉल्स ठीक है अगर आप इसको ट्रू करते हैं तो यहाँ पर आपके पास ये कलर जो है वो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा ठीक है देन आपके पास ये प्रीफिक्स आइकन होती है ये है प्रीफिक्स ठीक है पोस्ट फिक्स क्या होती है वो मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ So, यहाँ पर अगर आप देखें तो फिर आपके पास है ये फोकस बॉर्डर जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं ना तो ये इसका बॉर्डर आ जाता है ठीक है सो so, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये है बॉर्डर साइड ठीक है और बॉर्डर साइड में हमने इसको बॉर्डर का जो कलर है ना वो हमने इसको प्रोवाइड कर दिया देन आप आ जाएं यहाँ पर बॉर्डर का रेडियस सिमिलरली बॉर्डर का रेडियस जिस तरह ये कंटेनर है ना आपके पास ठीक है तो यहाँ पर अब आप आपने इसको बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर और आप टेन पिक्सल प्रोवाइड कर दें और यहाँ पर ये यह जो कांस्टेंट कीवर्ड आपने यूज़ किया है इसको आपको रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि ये रन टाइम पर अब चेंज हो रहा है और यहाँ प्रीफिक्स के साथ आप कांस्टेंट ऐड कर दें बॉर्डर के साथ आप कांस्टेंट ऐड कर दें कलर के साथ आप ऐड कर दें और आप इसको सेव करें तो ये देखें यह आपके पास रेडियस अब आ गया है ठीक है ये था ईमेल के लिए अब आप इसके साथ इसको अगर आप चाहते हैं कि आप अपने इस हेंट को स्टाइल करें हैंट को आप फॉन्ट कोई और देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं मैं ये इसको एज इट इज़ छोड़ दूंगा ये आपका टास्क है कि आप इसको स्टाइल करें ठीक है अगेन आप यहाँ पर इसको सेव कर लें इसको कॉपी करें और नीचे पेस्ट कर दें तो ये देखें ये नीचे अगेन इस तरह से पेस्ट हो गया है ठीक है और यहाँ पर अगर आप देखें तो अब आप यहाँ पर ई आ रहा है तो अब हम इसको कर देंगे पासवर्ड और यहाँ पर जो आपके पास फ्री फिक्स ऑक्शन आ गया यहाँ पर आप इसको लॉक कर देंगे ठीक है तो ये देखें ये हो गया चेंज अब देखें ये दोनों विजिट जो हैं वो आपस में बिल्कुल क्लोज क्लोज हैं तो हमने क्या करना है साइज बॉक्स और इन दो के बीच में स्पेस दे देंगे तो अब आपके पास देखें ये आ गया क्या आ गया भाई ये देखें इनके पास बीच में स्पेस आ गई और यहां पर ये आपके पास ट्वेंटी पिक्सल की स्पेस आ गई है ओके okay, यहां पर देखें ईमेल और यहां पर देखें पासवर्ड नेक्स्ट थिंग सिमिलरली ये देखें ये आपके पास है फोकस पॉडर ठीक है अगर आप चाहते हैं इसको कॉपी करें और फोकस अगेन इसको यहां पे पेस्ट कर दें और यहां पर आपके पास फोकस के बाद आपके पास आते हैं जी इनेबल बॉर्डर ठीक है सेव करें अब देखें इनेबल बॉर्डर क्या हुआ कि अब यहाँ पर पहले आपके पास लाइन आ रही थी ठीक है ये देख रहे हैं अगेन सॉरी अगेन इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ इसको मैंने कट कर लिया अब आप देखें आपके पास टॉप के ऊपर क्या आ रहा है लाइन आ रही है तो अब आप, आप इस बैकग्राउंड लाइन को ख़त्म करना चाहते हैं आप अपनी ईमेल वाले टेक्स्ट फील्ड में जाएं यहाँ पर आप इसको अगेन इसको आप यहाँ से कॉपी कर लें इस पूरे को नीचे पेस्ट कर दें और यहाँ से इनेबल बॉर्डर को यूज़ करेंगे तो यह बॉर्डर आपके लिए इनेबल हो जाएगा और यहाँ पर देखें आप ये नहीं आ रहा है ये लाइन नहीं आ रही लेकिन पासवर्ड में आ रही है तो अगेन आप इसको कॉपी कर लें यहाँ से ओके एंड टेक्स्ट फील्ड ये जो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड है अब आप इस इस फोकस बॉर्डर के नीचे आप इसको पेस्ट कर देंगे तो अगेन ये सेम प्रॉपर्टीज यूज़ कर रहा है आप इस बॉर्डर को इनेबल कर देंगे और ये जी बन गई आपकी यू आई ओके अब इसमें अगेन एक चीज़ इसमें बहुत सारी चीजें वैसे तो मिसिंग है एक चीज़ नहीं और वो है कि आपकी जो यू आई है ना वो देखें यहाँ से ये जो आपके पास आ, आ रहे हैं आ, क्या आ रहे हैं टेक्स्ट फील्ड ये देखें साइड से ना थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट है सो so, हम एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं वो है पैडिंग का So, मैं आपको किसी भी चीज को ना पैडिंग करनी हो ना तो क्या पैडिंग होती क्या है किस तरह से करते हैं वो मैं आपको करना सिखाता हूं सो नाउ सी हमारे पास एक विजिट है पैडिंग ठीक है पैडिंग ठीक है ये और यहां पर आप कॉमा ऐड कर दें अब पैडिंग का एक होता है चाइल्ड ठीक है ये चाइल्ड एक्सेप्ट करता है सिंगल चिल्ड्रन है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको चाइल्ड दे देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल दिस वन और यहाँ पर मैं टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ रैंडम बहुत सारा मैंने यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर दिया स्ट्रिंग फॉर्म में अब आप देखें आपको ये एरर दे रहा है क्योंकि इसके आप इसकी एक प्रॉपर्टी होती है पैडिंग ठीक है अब ये पैडिंग कभी भी नल नहीं होगी और ये पैडिंग क्या एक्सेप्ट करती है एज इनसेक्स ज्योमेट्री ठीक है सो so, एज सेक्स जोमेट्री डॉट सॉरी एच इंसेक्स डॉट ये देखें एच इंसेक्स डॉट सिक डॉट ओनली डॉट ऑल सो मैं इसको ऑल करता हूँ ठीक है और ये डबल वैल्यू एक्सेप्ट करती हूँ फॉर एग्जाम्पल फॉर मैंने इसको टेन दिया मैंने उसको सेव किया अब आप देखें ये विजिट की ये जो विजिट है ठीक है ये जो मेरा टेक्सट विजिट है अब ये टेन पिक्सल बॉटम से भी ऊपर की तरफ स्पेस इसकी आगे ये शिफ्ट हो गया है राइट से भी टेन पिक्सल शिफ्ट हो गया है और लेफ़्ट से भी टेन पिक्सल शिफ्ट हो गया टॉप से भी शिफ्ट हो गया क्योंकि हम क्या कर रहे हैं ऑल यूज़ कर रहे हैं ठीक है सो so, मैं यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल इसको फिफ्टी कर देता हूँ तो अब आप देखें आपका ये जो टेक्स्ट विजिट है ये फिफ्टी पिक्सल शिफ्ट हो गया आपके बॉटम वाले टेक्स्ट फील्ड से टॉप वाले टेक्स्ट फील्ड से लेफ्ट वाले टेक्स्ट फील्ड से और राइट वाली टेक्स्ट फील्ड से ठीक है ये ऑल जो है ये इक्वली अप्लाई होता है टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सब के ऊपर ठीक है फिर हमारे पास इसमें एक प्रॉपर्टी होती है ओनली ठीक है ओनली में फिर आप क्या कर सकते हैं इसको आप बता सकते हैं कि आपने कौन से साइड से शिफ्ट होना है सो फॉर एग्जांपल मैं इसको लेफ्ट कर देता हूं जीरो पिक्सल फॉर एग्जांपल तो अब आप देखें बिल्कुल लेफ्ट पे अलाइन है सो so, अब मैं इसको 10 पिक्सल देता हूँ तो देखें ये 10 पिक्सल शिफ्ट हो गया अब मैं इसको 50 पिक्सल देता हूँ ये 50 पिक्सल शिफ्ट हो गया अब मैं इसको 10 पिक्सल देता हूँ 100 पिक्सल देता हूँ देखें 100 पिक्सल लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया अगर आप राइट की तरफ करना चाहते हैं आप यहाँ पर सिंपली राइट right लिख दें देखें ये राइट की तरफ हो गया अब आप चाहते हैं लेफ्ट और राइट लेफ्ट की तरफ टेन हो और राइट की तरफ वो थर्टी हो तो अब आप देखिएगा यहाँ से टेन है और यहाँ से थर्टी पिक्सल है ठीक है सो इस तरह से आप पैडिंग को यूज कर सकते हैं फिर इसमें एक प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक में ना दो ऑप्शन होते हैं हॉरिजेंटल और वर्टिकल ठीक है सो अब आप देखिएगा इसको मैं सेव करता हूँ हॉरिजेंटल जीरो में कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल तो अभी देखें कोई स्पेस भी नहीं है हॉरिजेंटली लेकिन अब मैं इसको कर देता हूं ट्वेंटी पिक्सल तो अब आप देखें हॉरीजेंटली यहाँ से भी ट्वेंटी पिक्सल शिफ्ट हो गया और यहाँ से भी ट्वेंटी और यहाँ से मैं फॉर एग्ज़ाम्पल फिफ्टी फिफ्ट फिफ्टी कर देता हूँ यहाँ से भी फिफ्टी शिफ्ट हो गया इक्वल हॉरिजेंटली फिफ्टी फिफ्टी पिक्सल यहाँ से और फिफ्टी पिक्सल यहाँ से शिफ्ट हो गया अब मैं इसको वर्टिकली कर देता हूँ फ़िफ्टी और हॉरिजेंटल मैं इसको कर देता हूँ औरिजेंटल हंड्रेड पिक्सल तो यहाँ पर देखें ये वर्टिकल फिफ्टी हो गया और हॉरिजेंटल हंड्रेड पिक्सल शिफ्ट हो गया फॉर so, एग्ज़ाम्पल मैं इसको टू हंड्रेड कर देता हूँ तो अब आप देखें देख रहे हैं समझ रहे हैं चीज़ों को ठीक है सो अब मैं वर्टिकली टेन पिक्सल कर देता हूँ तो अब आप देखें ओरिजेंटल मैंने इसको इतनी स्पेसिंग दे दी है कि नीचे की तरफ हमारे पास एरर आ रहा है ठीक है सो so, मैं इसको वापस ले आता हूँ टेन पिक्सल पे ताकि एरर रिमूव हो जाए ठीक है सो so, इस तरह से अगर आपने किसी एक विजट को साइड से शिफ्ट करना हो स्पेसिंग देनी हो टॉप से बॉटम से तो आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं न फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये जो ई ईमेल और पासवर्ड के बीच में जो हमारे पास ये साइज बॉक्स था मैं इसको रिमूव कर देता हूँ अब आप देखें आपके पास ये विजिट जो है वो टॉप की तरफ शिफ्ट हो गया टेक्स्ट फील्ड लेकिन अब हम क्या चाहते हैं अब हम इस टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को व्रैप करेंगे कौन से विजिट के साथ व्रैप विद पैडिंग विजिट ठीक है और पैडिंग एक्सेप्ट करता है पैडिंग एच इंसेक्स डॉट यहाँ पर आप फॉर एग्ज़ाम्पल ओनली करें आप ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल लेफ़्ट आप इसको कर दें ट्वेंटी पिक्सल तो अब आप देखिएगा आपका ये जो लेफ़्ट पासवर्ड है ये ट्वेंटी पिक्सल लेफ्ट शिफ्ट हो गया आप इसको राइट right कर दें ट्वेंटी पिक्सल तो ये ट्वेंटी पिक्सल राइट right यहाँ से देखें शिफ्ट हो गया ठीक है ये देख रहे हैं एंड देन आप करते हैं इसको टॉप से फॉर एग्ज़ाम्पल टॉप टेन पिक्सल तो देखें टॉप से भी आपका जो विजिट है वो टेन पिक्सल शिफ्ट हो गया है ठीक तो है है तो ये नहीं देखें सिमिलरली आप इस टेक्स्ट फ़ॉर्म विज़िट को अगेन कर दें पैडिंग विजिट के साथ ओके okay? यहाँ पर पैडिंग में आप इसको प्रोवाइड करें पैडिंग एच इन सेक्स डॉट सिमेट्रिक ठीक है और हॉरिजेंटली अब आप इसको प्रोवाइड कर दें ट्वेंटी पिक्सल तो अब आप देखें ये ट्वेंटी पिक्सल लेफ्ट से हॉरिजेंटली ठीक है हॉरिजेंटली लेफ़्ट से भी और राइट से भी ट्वेंटी पिक्सल शिफ्ट हो गया और अगर आप वर्टिकल करना चाहते हैं तो अब आप इसको ट्वेंटी पिक्सल वर्टिकल कर दें तो ये देखें बॉटम से भी वर्टी वर्टिक शिफ्ट हो गया ट्वेंटी पिक्सल और टॉप से भी ठीक है लेकिन हम वर्टिकल नहीं करना चाहते और हम चाहते हैं कि एज इट इज़ रहे ठीक है सो इस तरह से अब आप अपने इस प्रोजेक्ट को यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ठीक है सो इस तरह से आप अपनी यू भी बना सकते हैं और यहाँ इसमें थोड़ी सी स्पेस मैं ज़्यादा कर देता हूँ यहाँ से ताकि ये और ये जो लॉग इन और लॉरम आइफसम के बीच में जो स्पेस है इसको हम कर कम कर देते हैं टेन पिक्सल और ये बन गई जी आपकी यू ठीक है इसमें एक चीज़ अब रह गई है एंड दैट इज़ दिस वन इट्स अप टू यू मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से आप टेक्स्ट को वर्टिकली औरजेंटली लेफ्ट राइट किस तरह से अलाइन कर सकते हैं किस तरह से अंडरलाइन कर सकते हैं इस टास्क को आप कंप्लीट कर लीजिएगा ठीक है एंड यहाँ पर देखें पासवर्ड में एक चीज़ रह गई है एंड दैट इज़ जिस तरह हमारे पास ये प्री फिक्स आइकन होती है वैसे हमारे पास पोस्ट फिक्स आइकन भी होती है ठीक है पी ओ आइकन ओके आइकन 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 वेयर इज पोस्ट फिक्स आइकन पोस्ट फिक्स आइकन डोंट वी हैव द आर यूजिंग समवेयर एल्स ओके सो हम आ जाते हैं यहाँ पर फोकस बॉर्डर में ईमेल में एंड यहाँ पर देखें आपके पास है प्रीफिक्स आइकन स्टाइल आइकन सो so हम आइकन को आइकन आई कन स्टार्ट विजिबिलिटी विजिबिलिटी ऑफ ओके सो इट्स गॉन रोंग सो यहाँ से इसको हम रिमूव कर देंगे लेट्स मी जस्ट क्लोज इट एंड यहाँ पासवर्ड पर आप आ जाए पासवर्ड एंड यहाँ पर आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है सफ़िक आइकन सॉरी सॉरी आई एम रियली सॉरी सफिक्स आइकन सो सफिक आइकन्स में अगेन आपने आइकन्स आइकन स्टार्ट विजिबिलिटी आउटलाइन और यहाँ पर देखें आपके पास विजिबिलिटी की आइकन आ गई मीन्स के पासवर्ड को आप हाइड एंड शो करवा सकते हैं ठीक है सो इस तरह से आप अपनी यू आई को अपनी इस लॉग इन यू आई को बना सकते हैं देखें हमने कितना ईजिली इस यू आई को बना लिया बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट जो कि मैंने आपको इस पूरे चैप्टर में सिखाए हैं एंड ये इतनी ख़ूबसूरत यूआई यूआ मैंने आपको बनाना सिखाई है आप इसको अपने प्रोजेक्ट में भी यूटिलाइज कर सकते हैं आप अपने इसको प्रोजेक्ट में भी एज अ पोर्टफो पोर्टफोलियो आप ऐड कर सकते हैं अच्छा मैं अब समअप करता हूँ हमने इस पूरे चैप्टर में क्या सीखा मैंने इस फुल चैप्टर में कोशिश की कि आपको पहले तो विजिट्स के स्कोप के बारे में समझाऊं डिफरेंट विजिट्स के स्कोप के बारे में समझाऊं। एक विजिट का स्कोप क्या होता है एक विजिट्स को हम किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं डिफरेंट टाइप के विजिट्स क्या होते हैं फ़ॉन्ट्स क्या होते हैं आप एक विजिट को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली किस तरह से यूज़ कर सकते हैं मैंने फिर आपको सिखाया आप किस तरह से हमारे पास डिफरेंट टाइप के लेआउट विजिट्स होते हैं एक तो वो विजिट्स होते हैं जो कि सिंगल लेआउट विजिट होते हैं जो कि सिर्फ एक चिल्ड्रन को एक्सेप्ट करते हैं दैन वो विजिट्स होते हैं जो कि मल्टीपल चिल्ड्रन्स को एक्सेप्ट करते हैं जिसकी एग्ज़ाम्पल अभी मैंने आपको करके दिखाई है देखें ये एक कॉलम विजिट है और ये सब इसके चिल्ड्रन हैं ठीक है ठेके? उसी कॉलम विजिट के अंदर फिर मैंने एक रो यूज़ की एक दफ़ा रो यूज़ की दो दफ़ा रो यूज़ की अब रो के अपने मल्टीपल चिल्ड्रनस होते हैं लेकिन उसको हमने कॉलम के अंदर यूज़ किया ठीक है सो so, इस तरह से खूबसूरत इस तरह से हमने एक खूबसूरत यू को बनाया फिर हमने आ, आपको यू, यू, मैंने आपको सिखाया किस तरह से आप फोन को यूज़ कर सकते हैं फोनस को मैंने इंटीग्रेट करना सिखाया आपको मैंने कॉलम रो विजिट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बताया उसको किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं ठीक है मटेरियल मटेरियल आपस के बारे में बात की काफ़ी चीज़ों के बारे में मैंने आपको सिखाया और उसको समअप मैंने इस तरह से किया कि नाउ यू आर एबल टू design quality apps ठीक है नव यू आर एबल टू डिज़ाइन क्वालिटी यू आई स्क्रीन ठीक है आपने बनानी है आपने मुझे मैंशन करना है और मैं आपकी यू आई इसको अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में पोस्ट करूंगा ठीक है आई हैव राइट नाउ आई एम बिल्डिंग सम ऑडियंस लेकिन जितने लोग हैं दे विल लव इट ठीक है सो so, इस चैप्टर से इतना ही नेक्स्ट चैप्टर में हम मैं आपको सिखाऊंगा स्टेटफुल फुल विजिट्स स्टेटफुल विजिट्स क्या होते हैं स्टेटफुल स्टेटलेस में डिफरेंस क्या होता है स्टेटफुल विजिट क्यों ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में सो so, अगर अभी तक आप मुझे देख रहे हैं लास्ट तक आपने इस चैप्टर को देखा है तो सर हैड्स ऑफ टू यू एंड आई नो एंड आई नो हैड्स ऑफ टू यू एंड यू गाइज आर गोइंग टू मेक एट द टॉप बिकॉज अगर आपने अभी तक फॉलो कर रहे हैं सो इट मीन्स यू गाइज़ आर इंटरेस्टेड एंड यू वॉन्ट टू मेक यूर फ्यूचर सो एट द एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस अगर आप लोगों को हेल्प मिली है अगर आप लोगों ने मुझसे सीखा है आप लोगों ने कुछ भी सीखा है एंड यू थिंक क्या मैंने आपकी प्रोफेशनल लाइफ में वैल्यू ऐड किया है सो so आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है मेरे साथ मेरी फेसबुक कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ऑल सी इन द नेक्स्ट वन